मैं परिचय करा दूं विजेंद्र सर से, और सीसैट में इनका बहुत ज़बरदस्त एक प्रभाव भी है, और बड़ा लकी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से, अगर मैं शुरुआती दौर में बात करूँ तो स्टूडेंट कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मुझे कुछ समय तक इनको पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये समय। तो सीसैट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, राइट? और आप जानते हैं कि इस बार जैसा पेपर आया भी था, तो इस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सीसैट में जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि उन्हें लगा कि अरे ये क्वालिफाइंग हो गया है, आप लोग जानते हैं क्वालिफाइंग होने की वजह से क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हमें अपना जो है वो इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही क्वालिफाइंग जो हो गया उनको क्या कर गया, खा गया, और वो जो है वो अपना कट ऑफ नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनकी जो सारी मेहनत थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसी कंडीशन में आप इस पेपर को भले चाहे वो क्वालिफाइंग ही क्यों ना, बहुत हल्का नहीं ले सकते, खासतौर पे जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए बड़ा समस्या हो जा रही है, क्योंकि कई बार उन्हें ये लगता है कि मैथ्स जो होती है उनके पकड़ से बाहर जा रही है। उसमें एक तो पहला कारण ये होता है कि वो उस बैकग्राउंड से नहीं होते, दूसरा कारण साइकोलॉजिकल होता है, उन्हें ये लगता है कि ये रीजनिंग मैथ्स हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए हमें ये कर पाना हमारे लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि इसमें जो है वो मैथ्स ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, और इसमें मैथ्स की बजाय जो होता है वो एनालिटिकल रीजनिंग ही होती है, वो एक्चुअली में वो आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है इस्तेमाल करते हैं। सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट की शक्तियों के कारण कई बार हम ऐसा देखते हैं, इसको हम एक विषय के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो आगे आने वाले समय में जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो डाटा एनालिसिस का रहेगा, वो चाहे जनसंख्या के आंकड़े हों, चाहे तुम्हारे देश में विकास के कितने कार्य हुए, चाहे NRHM में कितना पैसा गया, तुम हर घर जाकर जो है वो क्या करोगे, वहां पर जो है वो इनपुट्स नहीं ले पाओगे। तुम्हारे सामने जो है तुम्हारी मेज पर जो है कुछ डाटा रख दिया जाएगा, कुछ पाई चार्ट्स होंगे, कुछ तुम्हारे पास एनालिसिस होगा, कुछ गरीबी के आंकड़े होंगे। अब आप सोचिए इस समय जो बजट आ रहा है, ठीक है, वहां पर जो है वो क्या होगा, वित्त मंत्री को इनपुट्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री क्या करता है, सभी विभागों से, सभी मंत्रालयों से इनपुट मांगता है। मंत्रालय क्या काम करते हैं, अपने अंडर के जो ऑफिसर्स हैं उनको इनपुट्स देते हैं कि भैया जो मेरे अंदर जो विभाग है वो सभी क्या करेंगे, इनपुट्स देंगे, कितना आपको खर्चा चाहिए, कितना आपने खर्चा किया, कितना आपको बजट एलोकेट किया जाएगा, कहाँ पर बजट आपका कितना खर्च हुआ, ये सभी क्या होता है, वो डाटा के फॉर्म में ऊपर भेजा जाता है। ये लगातार डाटा एनालिसिस होता है। सो डाटा एनालिसिस करने के लिए हमें एक परसेंटेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपसे कहा गया कि भाई कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप DM हैं और आपके क्षेत्र में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, या बजट जो एलोकेट किया गया था साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए, आपने कितने प्रतिशत बजट खर्च किया, तो आप कैसे बता पाओगे अगर आपको बेसिक जो है इतनी नॉलेज नहीं होगी। यही सब चीज देखते हुए CSAT को क्या किया गया, इसमें लाया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप एकेडमिक्स रूप में देखेंगे तो ये एक जाल है, बहुत बड़ा जाल है। पढ़ते रहो मैथमेटिक्स, ठीक है, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि एकेडमिक्स मैथमेटिक्स और कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स के बीच का अंतर कैसे होता है। लेकिन अगर इसको तुम जो है वो एप्लीकेबल पार्ट पे लेकर जाओगे कि विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर स्किल्स, परसेंटेज हो गया, मेरे पास एवरेज हो गया, SCF LCF निकाल कर मुझे क्या होगा, बेसिक जो है मुझे किसी भी डाटा को एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे आ गया, इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर से लेकर अगले चैप्टर तक जाओगे तो तुम्हें ढेर सारे पाई चार्ट दिखाई पड़ेंगे। पहले में आप पहले चैप्टर में देखोगे ढेर सारे आपके पास क्या है, ग्राफ्स हैं, KBK इन्फोग्राफिक्स जो है वो ग्राफ निकलता है। उसमें आपने देखा होगा कि कई बार उसमें देखा हुआ कि भाई कृषि उपज इतनी रही, अगले साल इतनी रही, फिर इतनी हुई, गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, यही आपने देखा। सवाल है कि आप उसको एनालाइज कैसे करोगे। अगर आपसे होलसम पूछ लिया जाए कि भारत में जो कृषि की आर्थिक प्रगति है वो कितनी है, अब उसमें ये डाटा तो दिया नहीं, ये क्या करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो कैसे आप एनालाइज करोगे, इसी माध्यम से एनालाइज करोगे। सो CSAT को आप बहुत व्यवहारिक तरीके से पढ़ो, और इसीलिए मैं ये उत्तरदायित्व जो है वो विजेंद्र सर को भी दे रहा हूं, क्योंकि इनकी पढ़ाई में वही व्यवहारिकता है, ठीक है, वही जो आपकी एक जो एप्लीकेशन है वही इसके साथ है। बिल्कुल ईजी, मैथ्स को गायब कर दो क्लास से, मैथ्स सही नहीं है, वो क्या है हमारे लिए, वो एक एनालिसिस, एक एनालिटिकल स्किल है, उसी से पढ़िए, और क्लास की जो शुरुआत होगी वो एक होलसम जो है एक हमारा जो हमारा एक स्टाइल है कि पूरी क्लास में हमें कहाँ तक जाना है उसको बांधते हुए, फिर उसके बाद जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ विजेंद्र सर को, और इन्जॉय करिए क्लास, अभी तक जो हमारी थीम रही उसी के साथ। चलिए सर, इनके दिमाग से जो है ये मैथ्स का डर खत्म ही कर दीजिए, और जो एक सेगमेंट है कि नहीं ये क्वालिफाइंग है तो वो बड़ा आराम से क्वालिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं, पहली बात तो देखें कि चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए मेरी क्लास में, क्योंकि अगर आप लोग मुस्कुराओगे तो पता है कि आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी। और डर नहीं रखना है कभी किसी को लेके,
डरते वो लोग इनके अंदर बाहों में बल नहीं होता है। तो पहली क्लास में मेरी लो है, किसी क्लास भी लीजिएगा तो अंदर की जो भावनाएं हैं बिल्कुल सकारात्मक रखिएगा कि हमारे सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, बस एक रास्ता है, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप मेरे नाम से परिचित हो ही गए होंगे, और स्टार्ट करते हैं सी सेट। देखिए नाम बड़ा भयानक है, हालांकि आप भी जानते हैं कि यूपीएससी एक व्यक्ति का एग्जाम नहीं, व्यक्तित्व का एग्जाम है। और उसके एग्जाम के लिए आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो आपके अंदर जो ज्ञान है उसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आप लोग बचपन में सब सीख के आ रखे हो, बट समस्या क्या है कि वो एकेडमिक लेवल पे सीख रहे थे और आप आज क्या है कंपटीशन लेवल पे आप लोग सीख पा रहे हैं। अब सर ने बताया जैसा, बहुत अच्छा बताया, और उसको कैसे आपको सीखना है ये आपके पास चुनौती बनेगी। छोटी सी बात सोचो, आपको मार्कर लिया आपने और मार्कर को डिज़ाइन करना, तो पहले आप लोग क्या करोगे इसमें, मार्कर के लिए इंक लेके आओगे या मटेरियल लेके आओगे या फिर इसका फिगर मेंटेन करोगे पहले? तो पहले डिज़ाइन करोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सीसेट है क्या। सीसेट कुछ नहीं है, लोगों के लिए डराने के लिए एक शब्द है कि जब एग्जाम में बच्चा कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रहा, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या स्टार्ट कर लिया, सीसेट। सब जानते हैं बेसिकली कि कब से स्टार्ट किया गया इसको, 2011 से। और लगातार देखा जाए इसका वेटेज जो है लगातार निरंतर भयानक रूप से बच्चों को परेशान कर रहे हैं, और परेशान उन्हीं बच्चों को कर पा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो लगातार डर पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड एकेडमी में मैथ नहीं रहा, हम लोग बायोलॉजी से हैं या कॉमर्स से, एनी फर्दर है, ध्यान रखिए। हालांकि मैथ से कितने लोग हैं बैकग्राउंड, रेजर हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं उनके साथ। और बाकी जो लोग नहीं है उनके साथ और भी दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप लोगों के ध्यान रखिएगा, आपने चेयर को बना लिया पहले, तो चेयर को असेंबल करना है मुझे बस। और जिन लोग बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी तो चेयर को ऑटोमेटिकली मैं ही बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो आप समझ जाइए कि ये तो अच्छे हैं ही, जो लोग नहीं पढ़े ये और भी अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि डर इनको कम होता है, इनको डर क्या होता है, ध्यान रखिए, और ज़्यादा होता है। तो मैंने कह दिया कि ये तो और भी अच्छे हैं, क्योंकि इनकी डिज़ाइन क्या करूँगा, मैं ही डिज़ाइन करूँगा इनके पॉइंट ऑफ व्यू को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डर तो नहीं है किसी के अंदर ना सीसेट के लिए, अगर मेरी क्लास में आप लोग आ गए हो तो। मैं प्रोमिस कर रहा हूँ कि विद इन 2-3 क्लास हम लोग लग जाएगा कि हाँ सीसेट कुछ भी नहीं है, बस एक हुआ था, और उसको दूर करने के लिए कैसे हमने डिज़ाइन किया। और यूपीएससी सिर्फ एक बातों का और एक चीज़ों को एनालाइज करने का ही क्या है, एक तरीका है। सब जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, या ब्यूरोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, बट डिज़ाइन तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर पर्सनैलिटी है। एक बंदा सुबह शाम तक किताब को पढ़ रहा है, रट रहा है, टीचर के नोट्स को पढ़ रहा है, बट वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपने माइंड को डिज़ाइन नहीं कर पा रहा। तो यूपीएससी में अगर आप लोग बैठे हो, ध्यान रखें, तो पहले डिज़ाइन करना सीख जाइएगा कि एनालाइज कैसे करते हैं चीज़ों को। कोई टॉपिक आया, आपने उस टॉपिक को पढ़ा, चाहे वो टॉपिक जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग हो, एनी फर्दर जीएस में अदर पार्ट कोई भी हो, देख लीजिएगा। बट उसको डिज़ाइन करने से पहले जान लीजिएगा कि इस टॉपिक की आने की इसमें क्या मर्यादा है, ये टॉपिक इसमें इन्वॉल्व क्यों किया गया, यूपीएससी आपसे ये मांगता क्या है। तो अभी सर ने बताया कि जितने भी डाटा होते हैं सारे कंटेंट कहाँ होंगे, एक जी सेट में होंगे। तो आप लोग अधिकारी बना दिया जाए, और अब हम लोग सर्वे करें किसी चीज़ का, तो आपको पता ही नहीं कि सर्वे करना कैसे, सर्वे की स्टार्ट कहाँ से करना है, सर्वे एंड कहाँ करना है, सर्वे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सीसेट में पढ़ेंगे। तो लिखें कहाँ के, यहाँ स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा सीसेट में क्या क्या होता है? मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, और कॉम्प्रिहेंशन होता है, और बताएं, मेरी क्लास में खूब बोलिएगा, टीचर के और स्टूडेंट के बीच में गैप कम रखिएगा, व्यक्तिगत तरीके से ध्यान रखिएगा। जब तक गैप कम होगा तो आप लोग अपने डाउट को हम लोग हमसे बोल पाओगे, और अगर गैप ज़्यादा है तो आप लोग डर के मारे बोल नहीं पाओगे, यार मुझे कहीं शर्म ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। और रही बात कि कोई आपसे क्लास में लग रहा है कि हाँ मैं कुछ बोलूंगा उल्टा हो जाएगा, गलत बोलूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, तो गलती जितनी करोगे गलती बढ़ के वो बड़ी गलती बन जाएगी, इसलिए उसको वहीं डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपने क्या कहा सी सेट में, पहला पॉइंट क्या बोला आपने, बोलिएगा, मैथ्स। पहला मैथ्स आपने कहा, नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट रीजनिंग कहा, ठीक है, रीजनिंग कहा, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन डिसीजन मेकिंग, ओके डिसीजन मेकिंग, देन अब मैं, पता है आपसे क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, आपको लग रहा होगा यार भैया क्यों मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं सर। एक छोटी सी बात सोचिएगा, जो आपको पता है वो तो पता ही है, उसके बारे में क्या जानना,
जो नहीं पता वो मैं बताऊंगा ना आपसे, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि एक क्या होता है, ध्यान रखिए मैथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बेसिक नंबरेसी बोलते हैं। रीजनिंग को क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। कंप्रेहेंशन सब समझते हैं हिंदी में, बहुत गम्यता बोलते हैं हिंदी में। और डिसीजन मेकिंग, ध्यान रखिएगा, आपने एक्शन लेने की पावर, जो पावर है आप लोग कैसे उसको यूज कर पाओगे। मान लीजिएगा यहाँ से आप लोग बाइक चला रहे हैं, आगे दूसरी वाली बाइक आए, तो आप लोग उस बाइक को कैसे मेंटेन करोगे, बचाओगे, ठोकोगे या फिर जो करोगे, ये क्या एक पावर है आपके अंदर। और ये भगवान जी के दिव्य शक्ति होती है, जैसे आप लोग उसको यूज करोगे वैसी क्या हो रही, इंक्रीमेंट होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कोई, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। आगे चलें, कोई बताया और, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और कोई बताएं। अब थोड़ी सी बात इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक पॉइंट बन रहा है जो अभी हम डाटे की बात कर, जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। तो एक छोटी सी बात सोचें कि अगर हम आपसे पूछें कि कंप्रिहेंशन सी सेट में इसका हल्का वेटेज कितना होता है, अगर हम तुमसे कहें कि हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, कि एग्जाम की जो नीड है, जो सी सेट की जो आवश्यकता है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको ये नीड का पता है तो उसको दे पाओगे, ध्यान रखिएगा। बच्चा रो रहा है, पानी मांग रहा है, अब तुम्हें ये नहीं पता कि यार वो पानी मांग रहा है या फिर खिलौना मांग रहा है, तो उसको क्या दोगे, ध्यान रखिएगा। मांग रहा है पानी, तुम्हें खिलौना, तो कैसे चुप हो जाएगा, नहीं चुप होगा वो। इसलिए जो एग्जाम की जो नीड है, सी सेट की जो आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, उस आवश्यकता के आधार पर अगर इसको दोगे तो आप लोग क्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग करोगे, अगर नहीं होगा तो क्वालिफाइंग सब जानते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं, तुक्का मार के भी आदमी, कुछ लोग पास हो जाते हैं सी सेट को, हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। बट समस्या क्या, ध्यान रखिए, उनके साथ तुक्का मार के सी सेट तो पास कर लेंगे, लेकिन जब आगे जब मेंस में जाएंगे तो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब हम समझते हैं यहाँ से कि जो मैथ का वेटेज था, अगर हम लोग एक आकलन करके देखें कि 2012 से लेकर 13, 14, 15, 16 एंड 17 में देखा जाए, इस मैथ का वेटेज पहले बहुत कम था इसमें सी सेट में। मात्र 2012 में अगर हम लोग अनुमान लगाएं, अनुमान नहीं देखा जाए, तो दो क्वेश्चन आए थे मात्र, कोई भारी मात्रा में क्वेश्चन तो आए नहीं, ध्यान रखिएगा, ओनली दो क्वेश्चन, नहीं पढ़ो तब भी चल जाता। आगे बढ़ा हम, ध्यान रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चनों की मात्रा, ध्यान रखिए, 12 हो गई 13 में, इतना इंक्रीमेंट मैं समझ रहा हूं कि ये तो कई परसेंटेज हो रहा है भाई, 600% इंक्रीमेंट हो रहा, देख लीजिएगा, दो छक्का 12। आगे बढ़ेंगे तो 16 क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिए, 20 क्वेश्चन आ गए, फिर और बढ़ेंगे, 27 क्वेश्चन आ गए, एट प्रेजेंट में 30 क्वेश्चन के आसपास ही सेट में, ध्यान रखिएगा, ओनली मैथमेटिक्स के न्यूमेरिक बेसिक से आए थे, ध्यान रखिए। तो ये आकलन क्या बता रहा है, आपको लग रहा होगा, देख रहा होगा कि हमें आवश्यकता क्या है सी सेट में पढ़ने की, ये दिखा रहा रास्ता है कि भाई मैं कहां जा रहा हूं। अगर तुमने टाइम वेस्ट किया इस पे, ध्यान रखिए, डिसीजन मेकिंग पे और इस पे डीआई पे, ध्यान रखिएगा, तो ये मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, आपसे फिलो हो जाएगा, और सब जानते हैं 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, सी सेट क्वालिफाई है। लेकिन समस्या क्या है, बच्चा सोचता है कि मैं सी सेट में मैथ को ही पूरा कर लूं, और मैथ को पूरा करने के बाद इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं यहां की सही करके भाग जाऊंगा। पर समस्या क्या है कि सी सेट जो बनता है वो इन पोर्शन में से, इसमें से कुछ पोर्शन इजी होते हैं, कुछ पोर्शन क्या होते हैं, टफ होते हैं। आपने सोचा कि यार मैथ हम कर लेंगे, हो सकता है उस साल अगर देखा जाए कि किसी साल मैथ टफ होता है, किसी साल कंप्रिहेंशन क्या होते हैं, इजी होते हैं, और कभी कंप्रिहेंशन टफ होते हैं और कभी मैथ क्या होता है, इजी होते हैं। तो मेरा मानना है कि पूरे टॉपिक को डिफाइन करना पड़ेगा कि वन बाय वन कैसे हमें पढ़ना है। किसी दुमल्ले पे जाने के लिए सीढ़ी सीढ़ी चलना पड़ेगा, और आपने अगर कहीं कूद के चले गए तो आपको थकान हो जाएगी, सांस आना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। चलें स्टार्ट करें, अब बात करते हैं कंप्रिहेंशन की, ध्यान रखिए, ये रहा कंप्रिहेंशन। यहां अगर हम लोग देखें तो इसका वेटेज लगातार निरंतर कोई घटा बढ़ा नहीं है, दो तीन नंबर आगे पीछे लगातार चलते चले गए हैं। तो मैं हिंदी में कह सकता हूँ 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास कंप्रिहेंशन से आते हैं, कभी 26 क्वेश्चन आए, कभी 27 आए, कभी 28 आए, कभी 32 आए, कभी 24 क्वेश्चन आए, बट मिडिल में कहां तक रहेगा इसमें, 25 से लेकर 30 के बीच में। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की अगर हम लोग आपसे बात करें जनरल मेंटेलिटी के इसके साथ साथ, तो यहां 7 से 8 क्वेश्चन यहां इन्वॉल्व होते हैं। डिसीजन मेकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन यहां 100% की बात कर रहा हूं आएंगे। लॉजिक रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 8 से लेकर 9 क्वेश्चन होते हैं, और एक पॉइंट और बचा होगा आपका, वो बचा होगा एनालिटिकल एबिलिटी, इसके भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जो सिर्फ एक रीजनिंग का ही पार्ट होता है, एनालाइज करना होता है कि मान लीजिएगा
मैंने यहां से लिखा दो और चार लिखा, तो अब बताओ आगे क्या आएगा, कैसे छह जाएगा, आपने क्या सोचा? बात कर लेते हैं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो मेरी क्लास में। मैंने कहा यहां क्या आएगा सोचिएगा, असेंबल करिएगा माइंड में क्या आएगा। जब यहां यही चीजें आप लोग देखेंगे, मैंने यही कहा ना, आप आपके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या एनालाइज कर पाते हैं। आपने कहा कि यार टू का मल्टीपल से जा रहा है तो यानी एट आना चाहिए, और यदि वो टू के गैप से जा रहा है तो यहाँ सिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग एक तुलना इसमें और भी करें, ध्यान रखिएगा, सम विषम पे जाएं तो हम लोग देखें कि यहाँ टू नंबर सम है, फोर सम है, तो सिक्स आ जाएगा उसके बे पे। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एबिलिटी, ध्यान रखिएगा, जो कि इसके इसका ही क्या है, ध्यान रखिए हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो ये डीआई ही है ना, इनको तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया कि डीआई जो है ये भी किसका हिस्सा, ओनली मैथ, क्योंकि पूरी डीआई चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो कुछ हो, ध्यान रखिए ओनली डिपेंड किसके ऊपर होती है, परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होती है कि गाँव में इतना परसेंट व्यक्ति मेल है, इतना फीमेल है, इतना इसमें मैरिड है, इतना अनमैरिड है, तो वॉट इज द एरिया, या वॉट इज द एरिया में कितने परसेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा जो मन उसका मन करेगा। तो अब हम एक बात आपको समझ पा रहे हैं कि कर रही कम्युनिकेशन स्किल की बात, यहाँ से ये ऑप्शन सी सेट के पार्ट में होता है कि कैसे होती है, बट आज तक का रिकॉर्ड है कि इस 11 से लेकर 17 तक के एग्जाम में इससे आज तक का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, जीरो का वेटेज रहा है इसमें। अब जनरल मेंटलिटी की बात करें कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ से, 7 से 8। अब एक बात सोचिएगा, आप लोग आराम से लगाइए, डीआई की बात करेंगे 3 से 4 ग्राफ आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये बताइएगा सीसेट में पढ़ने के लिए पहले हमें आवश्यकता क्या है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता तो हमें है नहीं, और फोन में आ रहा है। तो अब तुम खुद देख पा रहे हो कि यार सीसेट में जो डर है हमारा वो कहां पैदा हो रहा है। कोई भी व्यक्ति 100% तो मैं कह सकता हूं कोई कर ही नहीं पाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सीसेट क्वालिफाइंग करने के लिए कुछ पोर्शन मैथ से हो जाए, कुछ पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन से हो जाए, काफी है, कोई ज्यादा आवश्यकता इसकी करने की हमें है नहीं, ध्यान रखें। तो स्टार्ट करें तो लिखे यहां डाल के सिलेबस की बात करते हैं पहले, कि मैथ में क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखेंगे। तो लिखे मैथ का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, जिनको डर है मैथ से और बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, जो एकेडमिक का मैथ होता है वो कंपटीशन में या किसी एग्जाम में यूपीएससी में पूछता भी नहीं है, कि जब एकेडमी में आप लोग पढ़ के आ गए हो तो उसमें जो नई चीज़ें डिजाइन करनी है वो आपको पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। और 80 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते करने के लिए, टाइमिंग भी काफ़ी मिलता है आपको पता है, बट उसको कैसे सोचना है, ये चीज़ें घुमा के जो आती हैं, लिंक करके जो आती हैं, इनको कैसे हम लोग सीखेंगे देखिएगा। हालांकि मैं कहूँ कि रीजनिंग और मैथ्स पूरा एक क्वांट का ही हिस्सा है, रीजनिंग में भी ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन है और मैथ में भी क्या है, कैलकुलेशन है, बट डिपेंड किया है कि उसकी कैलकुलेशन के कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसमें थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए समय मिल जाता है, यहाँ पे डिजाइन करने के लिए समय मिल जाता है हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं, देखिए मैथ में क्या क्या एग्जाम में सी सेट में आज तक का आया हुआ है और क्या क्या एग्जाम का सिलेबस होता है। पहला पॉइंट, एक टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कहा या संख्या पद्धति। 11 से लेकर 17 तक के एग्जाम में अगर हम लोग सी सेट के पेपर को देखें, एनालाइज करें, तो हर कभी सी सेट पेपर में एक या दो क्वेश्चन तो यहां से लिखा होता है, तो मैं कहूं कि ये तो 100% कंफर्म है कि ये तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एलसीएम और एससी, इसमें भी देखा जाए तो 11 में क्वेश्चन था, 13 में क्वेश्चन था, बाकी बीच में एक दो गैप में क्वेश्चन नहीं आए इससे, तो मैं हिंदी में कहूं कि इसको भी एक बेसिकली पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक टॉपिक होता है एवरेज, एवरेज मतलब कहा जाए तो औसत, इससे भी लगातार 5-6 साल के पेपर में उसी सेट में देखे हम लोग, ध्यान रखिएगा, तो एक दो ईयर पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हैं और फिर बीच में आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इसको रेडी करने की क्या हमें आवश्यकता है। देन आगे चलेंगे टाइम एंड वर्क, आफ्टर पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिटीजन, टाइम एंड डिस्टेंस, मैं अभी बता दूंगा एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ट्रेन इसी का पार्ट है, देन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज,
देन एज बेसिड क्वेश्चन, हालांकि रीजनिंग का पार्ट है, आयु संबंधी प्रश्न, बट हम मैथमेटिक्स में इसको कवर कर लेंगे. एज बेसिड क्वेश्चन, ठीक है, एक मिक्सचर होता है, इसी के साथ रेशियो को हम लोग ले लेंगे, रेशियो इन प्रोपोर्शनल, ठीक है. और एक मेंसुरेशन का कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, और एस आई और सी आई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है. अभी और बचा इसको उतारें, और अभी बात करेंगे इधर से तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रम से और संचेदन, देखिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. और एक टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं स्क्वायर, जो छोटी छोटी सीरीज में करके आ जाता है, इसको सीरीज लिख सकते हैं, सीरीज. तो बेसिकली अगर इन सब टॉपिक को एनालाइज हम लोग करें तो यहां से कहीं ना कहीं 11 में, 12 में, 13 में लगातार कंटिन्यू सीसेट के पेपर में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिले हैं. इतना अंतर होता है कि कहीं से एवरी ईयर आते हैं और कहीं ध्यान रखिएगा बीच बीच में वो छोड़ता रहता है, ध्यान रखिएगा. एक टॉपिक और इसमें प्रॉफिट लॉस में आता है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, जिसके 3-4 बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीसेट में, ध्यान रखिएगा, छूट जिसको बोलते हैं डिस्काउंट. जी हाँ, बॉटम स्ट्रीम से भी, तो हम लोग उसको ट्रेन में कवर कर लेंगे बॉटम स्ट्रीम, क्योंकि बॉट एंड स्ट्रीम सेम पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम एंड डिस्टेंस, इज राइट. तो अब हम लोग ये देखें कि यहाँ से ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जहाँ से एग्जाम 100% क्वेश्चन लेके ही आता है, ध्यान रखिएगा. तो ये जो टॉपिक है, जिसे मैं एक बार कहूँ कि जैसे इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में पूरे इंग्लिश की जो एक मेंटेनेंसी करता है वो क्या करती है, वर्ब करती है. ऐसा ही है ना, कोई सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनेगा, विदाउट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस. तो वर्ब क्या है, इंग्लिश की एक आत्मा है, ध्यान रखिए. ऐसे ही मैं कहूँगा पूरे मैथमेटिक्स में अगर हम लोग देखें तो ये जो परसेंटेज टॉपिक बैठा है ना, परसेंटेज, एक पूरा परसेंटेज एक अपने आप में, ध्यान रखिएगा. देखो एस आई सी आई पढ़ेंगे तो परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस होगा, ध्यान रखिएगा. उसके बाद अगर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस अगर हम लोग लेके जाएंगे तो यहाँ भी परसेंटेज कुछ हिस्सा होगा कि मेरी जो पावर है, मेरी जो इफिशियंसी पावर है, उससे क्या मोर देन 20%. तो यहाँ भी हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में परसेंटेज यूज करेंगे और ट्रेन में भी. मतलब कहा जा सकता है कि परसेंटेज क्या है, एक मैथ की क्या, ध्यान रखें पूरी आत्मा है हर तरह से क्वेश्चन. तो यहाँ से सीसेट क्वेश्चन एवरी ईयर में 2-3 क्वेश्चन लेके आता ही आता है, ध्यान रखें. हाँ, ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं हिंदी में कहूँ कि सॉरी मिक्सचर या रेशियो से कभी क्वेश्चन आएंगे कभी क्वेश्चन, लेकिन भाई सीसेट के तुम्हारे भाई तो कोई बैठा नहीं है वहाँ पे कि ये कहेगा इस बार टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है, टाइम एंड वर्क नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मत पढ़ना. तो अब स्टूडेंट वर्क से है, इसलिए मेरा मानना है कि एक बार तो पूरे को स्टेप बाई स्टेप पढ़ लेंगे, ध्यान रखिए हम लोग ना, तो क्या होगा, हमारा एक बेस क्लियर होगा. लग रहा है कि हाँ मैथ को एक दिन में पढ़ना है, पॉसिबल नहीं है, सीख पाओगे लेकिन जान नहीं पाओगे चीज़ को. तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहले समझते हैं मैथ क्या होता है. लिखिए टाल के इसमें स्टार्ट करें, लिख देते हैं नंबर सिस्टम. बोलिए कुछ अभी ना, इसमें डीआई में पढ़ेंगे जो पाई चार्ट होता है, ग्राफ होता है, सारे इसमें आ जाएगा वो. टेंथ का ही होता है. देखो दो चीजें होती हैं, जैसे कि अब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए बोर्ड पे कोई भी टॉपिक होगा वो सारे टेंथ लेवल का ही लिखा है. अब सोचिएगा कोई एग्जाम अगर कंडक्ट करा रहा है, कोई भी संस्था करा रही है, ध्यान रखिएगा, तो लिखने के पास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जो लेवल लिखा है उसी लेवल का आ जाए. मान लीजिएगा नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, तो एक क्वेश्चन कहाँ से होगा, बेसिक कंसेप्ट से होगा, और एक क्वेश्चन का होगा उसका हायर कंसेप्ट से होगा. अब सोचिएगा मैं यहाँ से बेसिक कंसेप्ट करा के निकल के चला जाऊँ, और आप लोग क्या सोचेंगे यार हायर से नहीं हुआ और 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ से, तो एक तो आप कर पाओगे, तुम्हें उस टाइम मेरी याद आ जाएगी कि भैया ने कराया था ऐसे, बट जब एक जवाब छूटेगा तो गुस्सा भी आएगा. तो मेरा एक कंसेप्ट आपके सामने ये रहेगा, ध्यान रखिएगा, कि जब हमें किसी समुद्र में डुबकी लगानी है, ध्यान रखिएगा, तो आराम से लगा के पूरी डुबकी क्यों लगाया जाए. कि 2 कंसेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक के, ध्यान रखिएगा, एक बेसिक कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा, और एक हायर जो टफ कंसेप्ट होता है. अगर हम लोग बेसिक को भी पढ़ लें और हायर को भी पढ़ लें तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा. क्लियर है, चलें स्टार्ट करें. लिखिए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. बहुत बेसिक सुनेंगे, ध्यान रखें,
लगातार क्वेश्चन चलते चले जाएंगे कि कैसे हमें इनको इन्वॉल्व करना है। पहली बात तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नंबर, कि नंबर क्या है। नंबर सिस्टम बताया, कोई नंबर किसे कहते हैं या व्हाट इज नंबर बताएं। ये वो चीजें हैं जो हमें एकेडमी में नहीं पढ़ाई जाती। कंपटीशन वो सिखाता है जो आपने आज तक पढ़ा है एकेडमी, उसमें कमियां कह रही हैं। मैं आपको एक बेस दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 12 तक एकेडमी हम लोग जो पढ़ते हैं तो यहां सिर्फ ये सीखते हैं कि जैसे हमें गलत पढ़े या सही पढ़े पढ़ना सीखें बस। जैसे छोटा बच्चा होता है, कच्ची पेंसिल उसको क्यों दी गई, इसलिए कि लिखना सही सीखे, इसलिए गलत लिखना सीखे नहीं, गलत लिखे या सही लिखे लेकिन लिखना सीखे पहले। तो एकेडमी भी सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ करना सीखो पहले, बाकी जब यहां से करके तुम आगे जाओगे ध्यान रखिएगा तो फिर उसको एनालाइज करना सीखिएगा। तो जब आप लोग यहाँ कंपटीशन में बैठते हैं तो जो वर्तमान जो चीजें होती हैं उनको सुधार के नई चीजें एस्टैब्लिश करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, वो क्या है, कंपटीशन बन जाता है। हालांकि अगर हमने ज्ञानी व्यक्ति अगर लेना होता आईएएस में तो समझ सकते हैं कि आईआईटी को उठा के ले आते, ले भैया तू यूपीएससी क्वालीफाई कर, बिना करे डीएम बन जा, आराम चला, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ज्ञान का परिचय नहीं है, जो आपके अंदर छुपी हुई चीजें हैं उनको आप लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, वो तरीका क्या है। आप लोग पूरी सारी किताबें पढ़ लीजिएगा और यूपीएससी में जाके बैठ जाइएगा, बिल्कुल सेम लिख के आइएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, बिल्कुल सेम लिखने की कॉपी ध्यान रखिएगा, आपको कभी पास नहीं करेगा। तो इसलिए कैसे उसको डिसीजन लेना है कि नंबर सिस्टम लिखेगा क्या है इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। एक आप नाम नहीं सुना होगा आपने, ऑड नंबर, एक इवन नंबर, एक नेचुरल प्राइम नंबर भी होते हैं, प्राइम नंबर, विषम नंबर, विषम संख्या और सम संख्या, प्राइम मतलब अभाज्य। हिंदी में कहा जाए अभाज्य पता किसे कहते हैं, व्हाट इज द प्राइम नंबर, इसको कैसे समझना है, जो खुद से कटे किसी के बाप से ना कटे, मतलब अपने आप से कट जाए किसी और से ना कटे। अब नेचुरल नंबर जो कंसेक्यूटिव लगातार हो, क्रमिक रूप से ध्यान रखिए। तो जैसे अब ये ओड नंबर है तो ओड नंबर हम समझ सकते हैं कि विषम कहेंगे तो विषम मतलब जो दो से डिविजन ना हो, जैसे मतलब दो रहा और कितना रहा, चार, सिक्स, एट। इवन नंबर, सॉरी उल्टा हो गया है, सॉरी मैंने सोचा कि इवन लिखे ऊपर, वन, थ्री, फाइव, सेवन, जो दो से ना डिविजन हो। इवन नंबर ध्यान रखिए दो, चार, छः, आठ, दस। प्राइम नंबर बताएं, वन, यही गलती करते हैं आप। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंदर से निकालो जो गलतियां हैं, आपके अंदर एक कचरा भरा हुआ है उसे निकालना है मुझे, तो पहले उसको निकाल के अच्छा भरना पड़ेगा मुझे। बताएं पहले प्राइम नंबर, अच्छा प्राइम नंबर को बोलते क्या है, अभाज्य है या ध्यान रखिएगा प्राकृतिक, दोनों में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द प्राइम नंबर, व्हाट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, जो खुद की बनी होती है ध्यान रखिएगा, जैसे कि रहा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये प्राइम नंबर क्या, कोई बताएगा मुझे, वन लिखा मैंने, हालांकि ये वन गलत है, जीरो, इसको बोलते हैं अभाज्य हिंदी में लिखूं तो मैं, देखो यही छोटी सी गलती है, वन, थ्री, फाइव, सेवन, ठीक है आगे बताइए कोई और इसके अलावा, व्हाट इज नॉट प्राइम नंबर, व्हाई प्राइम नंबर इज दैट व्हिच इज डिविजिबल, व्हिच इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन इज दैट। तो मैं हिंदी में कैसे, मैं कह सकता हूँ ध्यान रखिएगा कि वन कभी भी ध्यान रखिएगा डिविजिबल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर, मैं इसलिए हाथ रोका था यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसलिए वन कभी प्राइम नंबर नहीं होता। वह नंबर जो एक से भाग हो जाए, समझ आ रहा है, और किसी से ना हो, तो वो क्या होगा ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर। अब सोचिएगा तो इसलिए वन प्राइम नंबर कभी नहीं सकता, प्राइम नंबर कौन सा होगा, टू, टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, उसके बाद देन थ्री, फाइव, सेवन, एलेवन, देन थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, अगेन जहां तक।
अब देखो, अगर हम नंबर सिस्टम को पढ़ना चाह रहे हो तो एक बेसिकल कंसेप्ट आपको सीखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएंगे इस नंबर सिस्टम में, इन्हीं क्वेश्चन से आएंगे कहीं और से आएंगे पहले बताइएगा? इन्हीं से आएंगे। बताइएगा, जो चीज होती है बाल्टी में पानी, तो पानी निकलेगा अगर उसमें निकालना है तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में कभी भी जब क्वेश्चन आते हैं ध्यान रखिएगा, वो कहाँ से आएंगे? या तो ओल्ड आएंगे, इवन आएंगे, प्राइम आएंगे, नेचुरल आएंगे। बट ये कैसे कैसे आएंगे ये आपके सामने चुनौती बन जाएगी। इसको डिजाइन कैसे करना है? हो सकता है कि इन प्राइम नंबर का एवरेज पूछना स्टार्ट कर ले, हो सकता है ओड नंबर का एवरेज पूछना स्टार्ट कर ले, हो सकता है प्राइम नंबर का एड पूछना स्टार्ट कर ले कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ वन टू बिटवीन 1 to 20। अब उसमें इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, नेचुरल। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि जब भी नंबर सिस्टम में अगर आपसे कोई एवरेज पूछ रहा है, ध्यान रखिए बेसिक कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे, तो या तो ओड से पूछेगा, या कहाँ से पूछेगा, इवन से, या फिर प्राइम से, या फिर नेचुरल। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज, तो 1 से 20 लिखोगे। अब देखो यही बात करते हैं, क्लियर कंसेप्ट नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ? चलिए लिखिए टाइप कंसेप्ट नंबर वन स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का कंसेप्ट नंबर वन देखिएगा, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ से जो टॉपिक मैंने लिखाए हैं 12-15 टॉपिक के आसपास सारे टॉपिक होंगे। हर टॉपिक में एक छोटी सी बात सोचिएगा, हर किसी टॉपिक के अंदर 10-11 कंसेप्ट बनेंगे। मान ली कभी उनको वो आपसे सम पूछेगा, कभी वो आपसे एवरेज पूछेगा, कभी उनका प्रोडक्ट पूछेगा, मल्टीपल पूछेगा। तो इनके आधार पर अगर देखेंगे, अगर एक छोटी सी बात सोचेंगे, पहले क्या पूछेगा ओल्ड का, वो सम पूछना स्टार्ट कर लेगा, या ओल्ड का फिर एवरेज पूछना स्टार्ट कर लेगा, फिर ओल्ड का क्या पूछेगा, वो प्रोडक्ट पूछना स्टार्ट कर लेगा। ऐसे ही एक कंसेप्ट से कितने रूल बन रहा है? 3 रूल बन रहा है। ऐसे ही हम लोग बाद में जाएंगे इवन, तो इवन से क्या पूछेगा, वो सम पूछना स्टार्ट कर लेगा, एवरेज पूछना स्टार्ट कर लेगा, और प्रोडक्ट पूछना स्टार्ट कर लेगा। आगे चलेंगे तो प्राइम से भी यही काम करेगा, क्या पूछेगा, सम पूछेगा, एवरेज पूछेगा, और प्रोडक्ट पूछेगा। तो मैं हिंदी ये कह सकता हूँ, ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट से 3-4 कंसेप्ट बन पा रहे हैं। बट हम क्या करेंगे, हम इन सारे कंसेप्ट को लिंक करके ध्यान रखें एक कंसेप्ट पर लेके आएंगे। हम अकेडमी में पढ़े कि सम ऑफ नंबर होता है ओड का n+1 करके होता है, इवन का कुछ और होता है, प्राइम का कुछ अदर होता है, बट नहीं करना है। अगर उसको तुम रटोगे, उसको तुम सीखोगे ध्यान रखे, तो जीएस में बहुत बड़ा अपार है रटने के लिए आपके लिए, उसको रटना है, यहाँ को सीखना नहीं है। स्टार्ट करें, लेकिन कंसेप्ट नंबर वन कैसे करना है लिखिएगा। क्वेश्चन बोल देते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज 40। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए, मैंने यहां से क्वेश्चन दिया, नंबर कौन से हैं? नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब निरंतर, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चलेंगे। कहां तक गए हम लोग? 40। कहानी ये, अब देखो इसको डिजाइन करने से पहले हो सकता है आपको 100 तक लेके चला जाए, 120 चला जाए, 1000 चला जाए, वो तो उसकी दिली इच्छा रहेगी। बट आपसे क्या पूछेगा? वो एवरेज पूछेगा, हो सकता है सम भी पूछना स्टार्ट कर ले। देखिए, समझते हैं, पहले समझते हैं एवरेज क्या है। कोई बताएगा एवरेज क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज? हिंदी में कहा जाए तो औसत क्या है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इन टोटल नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा कह सकते हैं, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा हिंदी इंग्लिश में देखें तो। बेसिकली बहुत आराम से सीखना, देखिएगा जो आप लोग पढ़ के आए हो, हालांकि बहुत अच्छा था, लेकिन उस अच्छे का प्रयोग अगर करते तो आज सफल हो गए होते, इसलिए नया कुछ प्रयोग हमें करना है ध्यान रखिएगा। एवरेज जो होता है आपके पास, सही एवरेज बराबर जो होता है सम ऑफ डाटा, जो भी इसमें डाटा दे रखा होगा, हो सकता है नंबरिंग में हो सकता है वो एज में हो, कि 3 मेंबर की एज 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 मेंबर। तो यहाँ से सम ऑफ जो भी डाटा दिया होगा अपॉन क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ डाटा, कितना उसमें डाटा का क्या है, नंबर ऑफ डाटा। हिंदी में कह सकते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मान लीजिए, देखिए अब समझते हैं, बहुत प्यार से इसको उतारते लेना, कोई सीसेट में ध्यान रखना आज के बाद,
जिनका मैथ कमजोर है, जिनका मैथ अच्छा है ध्यान रखिएगा, सी सैट में क्लास में ही माइंड अप करना है, घर जाके सेट कर लेके टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कराऊंगा वही इनफ होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इनफ होगा ध्यान रखिएगा। एक बात सोचो, कोई मैं नंबर दिया यहाँ से 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज एवरेज, मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 9, व्हाट इज द एवरेज, मैंने कहा यहां से ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, then is 15 तक, व्हाट इज द एवरेज। अब देख पा रहे होंगे, कोई ध्यान रखिएगा यहां से कि यहां से ये नंबरिंग कौन सी है, इवन है, और ये क्या है, ऑड है, और ये क्या है, नेचुरल, राइट। और तीनों ही क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं, एवरेज पूछ रहा हूं। अगर हम लोग बेसिकली कंसेप्ट से जाएं तो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि इनके लिए, इसके लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, बट हम लोग उसको यूज भी नहीं करेंगे और चीजों को समझेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये बात जानेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। पहली बात जान लीजिएगा कि एवरेज जो होता है एक मिडिल पार्ट होता है, एवरेज जो होता है ध्यान रखिएगा एक मध्य भाग होता है। अब वो मध्य भाग किसका होगा, वो नंबर ऑफ संख, जितने भी नंबर होंगे उनका ही होगा, अगर आयु होगी तो एज होगी तो एज का होगा, नंबर होंगे तो नंबर होंगे। ट्राई करते हैं कि यहां से इसको जल्दी करने के लिए और भी तरीके इसमें इन्वॉल्व करेंगे साथ साथ यहीं पे हम। अगर यहां लिखा है 14, 16, 18, 20, 22, आप देखें यहां नंबर कितने नंबर है, यहां पर हमारे पास 5 है। अब 5 नंबर हमारे सामने दिया गया है, हो सकता है कि ये नंबर बड़ा आ जाए, 24 आ जाए, 26, 28, देन कहां तक, जहां तक इसका मन कर रहा है वो कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका एवरेज क्या है। तो इसे करने के दो रास्ते आपके निकलेंगे, कि या तो हम लोग इसको मध्य भाग से मिडिल पार्ट पर जाके कवर करें, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे क्या करेंगे। तो पहले हम लोग मिडिल पार्ट से हम लोग रेडी करते हैं, या नंबर काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, नंबर कितना है, 12 नंबर है। अगर हम लोग बेसिकल रूल से जाएं इसे करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की, या सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, तो सम करेंगे 14, 16, 18, 20, 22, 24। अगर हम लोग इसमें जोड़ने में इतना टाइम लगा रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो फिर भाग करने में इसको टाइम लगाएंगे। तो हमने क्या सीखा इसमें, मिडिल नंबर क्या होता है इसका ध्यान रखिएगा आंसर होता है। अब मिडिल नंबर होता कैसे ध्यान रखिए समझते हैं। देखिए नंबर यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना होगा, 12 है ना, 10 है, 10 नंबर है। तो 10 को अगर हम लोग हाफ हाफ करके डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना बचेगा, 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। समझ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया और 5 इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक नंबर बैठा रहेगा, कितना बचा भाई, यहां 22 है, यहां 24 है, इन दोनों के मिडिल भाग पर कौन सा नंबर बैठा हुआ है, तो इसका एवरेज क्या है, 23 और आंसर। फिर समझते हैं, अगर हम लोग इसको सम को ऐड करके भी डिस्ट्रीब्यूट करें हमको पार्ट में, तब भी आंसर क्या होगा, ध्यान रखिए यही आएगा। अब सोचिएगा, इसको लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कभी भूल जाएंगे, तो एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ ध्यान रखिए, कभी नहीं भूलना पड़ेगा आपको। जब भी आपसे कोई एवरेज पूछ रहा हो, उसे करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना ध्यान रखिएगा, जो उसका फर्स्ट नंबर है और जो उसका लास्ट नंबर है उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर लेना, उसका रेशियो सेम आंसर आएगा। अगर मन कर रहा है कि मुझे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को लास्ट से नहीं करना, तो सेकंड को सेकंड लास्ट से कर लेना, थर्ड को थर्ड लास्ट से कर लेना, और फोर्थ को फोर्थ लास्ट से कर लेना। मतलब कहा हिंदी में आ सकता है कि जो पेयर एजेंसी है, जो फर्स्ट की लास्ट की क्या है, आपस में जो एवरेज आएगा वही क्या होगा, इन सबका एवरेज होगा। अब अगर हमसे तुमसे पूछ रहा है कि इसका ओल्ड का एवरेज क्या है, तो हमने क्या सीखा, एक रास्ते दो सीखे, या तो मिडिल नंबर या फिर फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2। इफ आर गिवन, अगर सिक्वेंस के आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ इवन में सिक्वेंस हमेशा क्या होता है, बराबर ही होता है। ये तो है ना कि यहाँ 14 नंबर इवन है, तो बाद में 15 इवन बनेगा, नहीं बनेगा, 15 तो ओड बन जाएगा, इसलिए क्या आएगा, 16 ही आएगा जीवन में, ध्यान रखिएगा। अब सोचो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से ओल्ड का एवरेज क्या है, आप लोग कुछ नहीं करो कि आंखें बंद कर लो कि फर्स्ट 1 है, लास्ट 11, 12, 6 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कलम भी यूज नहीं करनी आपको, सिर्फ थोड़ा सा माइंड यूज करना। और यही कहता है यूपीएससी कि माइंड यूज करो, कलम यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं। अब सोचिए यहां से अगर हम लोग बात करें, यहां नेचुरल नंबर कितना है, 1 है, तो पहला क्या है, 1 है, और लास्ट क्या है, 15 है, कितना हो गया, 16।
आंखें बंद करके आपका आंसर निकल के आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब एक बात फिर समझिएगा, मैं इसी में आपको बहुत मजबूर करूंगा कि जब तक चीज़ों को ना खंगाला जाए लिंक करके, आप लोग हमेशा ध्यान रखें कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ के पढ़िएगा। आप देख पा रहे हो यूपीएससी में लगातार आप इतिहास को पूरा पढ़ लिए, इतिहास नहीं आ रहा, पूरी पॉलिटी को पढ़ डालिए, पॉलिटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्यों? जो पॉलिटी एग्जाम में पीछे वाली आ रखी है, जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं वो लिंक करा रहा है करंट के साथ। अब आपको इसके बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता तब भी आप लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट आपको बोल रहा हूँ कि करंट क्या है, एक मेन पावर हो चुकी है हर किसी एग्जाम की। जब तक आपको करंट के बारे में नहीं पता है, करंट भी पता है और बेसिक भी नहीं पता है, तब भी नहीं लिख पाएंगे। तो दो रास्ते आपके पास बनेंगे कि पीछे वाली प्राचीनतम अवस्थाओं को करंट के साथ जोड़ के उसमें कुछ नया तरीका आपको बताया जाए। यूपीएससी ये मांग रहा है बस। भारत की नीट क्या है? यूपीएससी की नीट क्या, दो बात समझ लीजिए, खत्म कहानी, कुछ नहीं यूपीएससी। चलें आगे। अब एक मैंने नंबर दिया आपको, अब देखिए मुझे, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है कि अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू। अब सोचिएगा मैंने इवन दूं या ऑड दिया जाए या नेचुरल दिया जाए, आप लोग फाइंड कर लेंगे ना। ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज यहीं बोर्ड पे करेंगे। बताइएगा यहाँ लिखा मैंने 45, 47, 49, 51, ऐसी करते करते हम लोग चले गए 79 तक। व्हाट इज द एवरेज? 62। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर मैं इसको पैटर्न से कराता, इसको मैं यहां से लेकर आगे चल के लगाता, तो हम लोग क्या करते, इसको हम लोग फॉर्मूला क्या बनाता हमारा एवरेज का, कि सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। 45 को 47 ऐसे ही करते करते जोड़ने में हो सकता है कि आप 10 मिनट खा जाते, और उसके बाद आप लोग उसको जोड़ के फिर भाग भी करना था, नंबर से ध्यान रखिएगा। बट हमने कैसे किया, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय टू। फर्स्ट क्या है 45 और लास्ट क्या है 79। आप इसको नहीं जोड़ पाओगे माइंडली तो ध्यान रखिए यूपीएससी में क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर तो तुम्हें किसी चीज को जीतना है ना, शर्त लगा लो उससे, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए छोटा बच्चा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, उसको ज्ञान लेनी है, उसके पीछे रोएगा कर्रा करके, ऐसा है नहीं है जब तक उस ज्ञान को नहीं ले लेगा। और यूपीएससी आपने मान लिया है, पढ़ कर लिया, तो उसके पीछे इस तरह रो जाओ, उसके पीछे पढ़ जाओ कि कुछ नहीं करना है, यही काम करना है। अब सोचो फर्स्ट क्या है 45 और लास्ट क्या है 79। दोनों को आपस में ऐड करेंगे फर्स्ट लास्ट को, तो कितना निकल के यहां से आ जाएगा 120। किसी को दिक्कत नहीं, और 124 को हाफ करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी यार। और 124 को अगर हम लोग आपस में हाफ करें तो क्या निकल के जाएगा 62। इसका एवरेज क्या निकल के आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ट्राई करते हैं लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग, फिर देखें कितने लोग कर पाते हैं। लिखिए द एवरेज ऑफ ऑल even integer between 125 and 237 40 हमने क्या पूछे हैं, 125 से लेकर, हिंदी और लिख लीजिएगा, 125 से लेकर 237 तक सभी सम संख्याओं का सम, इवन बोले थे ना, इवन बोले थे ना, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 160 180 another 181। देखिए अब देखो यहीं से चीजों को फिर समझेंगे, बहुत आराम समझेंगे। अच्छा ये तो आपको यूज नहीं करना ना, आपको रफ कर देना, इसको कभी यूज नहीं करना, ध्यान रखना कभी भी। अब इसे कैसे करना है, इसको चीज को समझना बहुत आराम से। मैंने पूछा कहां से, 125 से बेटा कहां से पूछा है 230। इवन या ऑड, यानी हिंदी में कहा जाए तो सम नंबर। आपने क्या किया होगा, इसको ऐड किया होगा 125 237 को, नहीं करें। मैंने क्या पूछा है, यहां से इवन पूछा है, तो मैं समझ सकता हूं कि 125 तो इवन है नहीं, ये तो ओड है। हम लोग फर्स्ट इवन क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर, मैंने कहा था ना फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय टू, तो फर्स्ट क्या लेंगे 126। देन लास्ट नंबर जो 237 क्या है, ओड है, हम लोग इवन को काउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहां 236 डिवाइड बाय टू। चेक करना है बस, कुछ नहीं करना है। अगर यहां ओड होता
अब हम पूछते कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर से पूछते हम लोग, तो क्या होता है 125 ही आ जाता है ऑड भी और 230, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सोचिए इसको जोड़ना तो कोई डिफिकल्ट काम होगा नहीं, ध्यान रखिएगा, आराम से भी जोड़ सकते हैं और समस्याओं से भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कितना जाएगा, टू यह जाएगा ना डिवाइड बाय टू 180। जो लोग 181 लेके बैठे थे वो राइट है। ट्राई करें एक और अगेन, फिर चलते हैं टॉप कंसेप्ट की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी का भी, पूछेंगे हम लोग डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे ही। आप बताएं यहाँ से 91 to 180 ओड नंबर बताना है, एवरेज, ऑल ओड नंबर एवरेज। छोटी छोटी चीजें सीखनी है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। वन थर्टी फाइव ऑल ओवर, आप समझ में आया, हमने कोई यूज नहीं करा फॉर्मूला, कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी, बस एनालाइज की चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने क्या ओड पूछा, तो मैंने कहा फर्स्ट ओड लास्ट डिवाइड बाय टू, फर्स्ट ओड किया 91 बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम, 91 प्लस लास्ट ओड किया, क्योंकि लास्ट क्या इवन है इसलिए मुझे ओड चाहिए, तो कितना हो जाएगा 79 डिवाइड बाय टू। आपको ऐड करने में कोई समस्या हमारे साथ होगी नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आप चलो, अगर हम तुमसे सम कहीं से भी पूछ रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है कि आप एक कंसेप्ट सीख गए हैं आराम से, एग्जाम में आता है और एग्जाम में आया है शायद 11-12 के एग्जाम में, एक एवरेज निकालने के लिए सिर्फ नंबरिंग पे उसने काम किया था, ध्यान रखिएगा। अब सोचिएगा अगर हम कहीं से भी देख लीजिए, फिर एक बार एक दिन ट्राई कर लेते हैं, कॉपी को नहीं चलाना है, माइंड यूज करना है ओनली। ये लिखा है ऑड इवन और नेचुरल नंबर, चलिएगा एक बार स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताना जिसे हम लोग पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। 25 to 95 एवरेज क्या होगा दोस्त, डोंट यूज माइंड का यूज करना है, इंक का यूज नहीं करना है, कैसे, कुछ नहीं करना है यार, ओड तो दोनों बैठे हुए हैं, जोड़ना है उसको 25-95 को, अगर आपस में जोड़ेंगे 120 का हाफ कितना, सिस्ट योर आंसर, किसी को दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। आगे चलें, अगर इवन पे हम किसी और से पूछें, ध्यान रखिएगा 45-87 आप बताओ दोस्त क्या होगा इसका एवरेज, ऑल इवन इंटीजर 45 to 87 इवन लिखा बेटा, नहीं यही बताएंगे, अपनी बारी का ख्याल रखें, कलम थोड़ी चलाना है, माइंड चलाना है, और जितना तुम इसको चलाओगे उतना ये कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, इवन पूछा तो 46 हो जाएगा ना, और इसको अगर हमें लास्ट तो भैया ओड है, हमें इवन चाहिए, तो कितना हो जाएगा 86 डिवाइड बाय। अब देखो इसको जोड़ते कैसे, इसको ऐड कैसे करते हैं, लग रहा है ना दिमाग में लगाना है कि ये कैसे करना है, तो आप लोग जोड़ेंगे 6-6-12 का 2 कैरी 1, 4-2-8-12-1-13 ऐसे करना है, इसको ऐसे कर रख ले, जो बेस हुआ करे ना, 4-8 कितना होता है 12 होता है, 120 हो जाएगा ना, वो 6-6 कितना होता है 12, 120-12 कितना होता है 132 हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड की जो शार्पनेस है आपकी वो क्या होगी, एक क्लियर होगी। अब कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा ये डिवाइड बाय टू, कितना होगा 60, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो क्लियर है ना, एवरेज क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई भी नंबरिंग पूछ लें कहीं से भी, अगर हम तुमसे यहाँ से ही पूछ रहे हैं कि 995 से लेकर 1025 तक एवरेज याद करें नेचुरल का, तो नेचुरल तुम तो कंटिन्यू इवन करेंगे तो तब भी कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ओड करोगे तो ओड तो खुद ऑलरेडी बैठा ही है, ध्यान रखिए। चलें अब देखो इन इन क्वेश्चनों पे क्या वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करेगा इसके बारे में बात करते हैं, चलें देख लीजिए। अगर मैं आपसे कोई नंबरिंग दिया मैंने यहाँ से, फिर यही काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, लिंक करके चीज़ों को पढ़िएगा, सबसे अच्छा रास्ता है, ध्यान रखिएगा। मैंने इवन नंबर दिए और मैंने कहा 12, 14, 16, 18, 20 अगेन 22, 24, 26, 30, 28 and 30 सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल एड सम पूछ रहा हूं, सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 12 टू 30 कितना
21 सम पूछा हूं बेटा, इट नॉट एवरेज है। टू, चलो सबको ट्राई करते हैं, आपके पास जो था वो सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसको और अच्छा कर देंगे। क्या लिखा था आपने, कितना बोला बेटा? 21 इज राइट। देन अदर कोई मेंबर आपका? 240। देन बेटा 208। देन और कोई? सब लोग बोलो, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तो सीख रहे हो आप लोग ना, गलती थोड़ी कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस क्यों करते हैं। मैंने बोला है कि सभी 12 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यही तो यूपीएससी का ट्रेंड है कि पूछता कुछ और मांग देते कुछ और हो, तुम लोग ध्यान रखिएगा, बार बार चेंज मत करिएगा, यूपीएससी खराब बाहर निकाल देगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग अपना आंसर चेंज करते हैं वो जल्दी निकाल लेता है उनको। 210 210। अब ऐसे ही अगर आप बताना बेटा, हाँ जी, से देखो कुछ नहीं करना है, ओनली सिमिलियर बेसिस पे काम करना है और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। फर्स्ट कंसेप्ट मैंने क्या सोचा, इवन का मैंने आप लोग एवरेज सिखाया, अब इवन का मैं सम सिखा रहा हूं, क्लियर है नहीं? अब जब इसको बेस को सीख जाएंगे तो जहां पे परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां गुणा भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी कि वहां मल्टीपल किया जाए। अगर आपसे वहां पूछा जाएगा एवरेज क्या है, आप लोग 2 सेकंड निकाल के भाग जाओगे, जो टाइमिंग वहां बचेगा ना उस टाइमिंग को आप वहां से कंप्रिहेंशन पे लगा लोगे, कंप्रिहेंशन में पढ़ने की आवश्यकता आराम से, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं जल्दी से पढ़ा और कोई पॉइंट स्लिप हो गया तो उसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे, तो इसलिए टाइम को कंज्यूम करना है, चीजों को कैसे करना है। हो सकता है आपके सामने मजाखोरी करने के लिए उसके दिन आते रहते हैं लगातार, 150 डाल देगा, ध्यान रखिएगा, बट आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट कंटेंट एक मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या करना है, बस इस चीज को सीखना और बहुत आराम सीखना, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग जो मैंने लिखा उसी पे काम करते हैं। इवन नंबर कहां से थे बेटा? 12 से 30, यही तो था ना, 12-30 था। तो हमने क्या करा कि जो चीज हम लोग करके आ रहे हैं हम उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे बार बार, इसलिए क्लास को कभी मिस मत करना। सीसेट के अगर आपको सीसेट पास करना, मैं दावा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सीसेट पढ़ने का अगर फेल हो जाएंगे तो मेरी गारंटी है, बट जितना मैं बोल रहा हूं उतना होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो बोल रहा हूं तो खत्म है यार, बस मेरी बात याद ये रही याद कि भैया ने कहा था कि हमारे यहां पढ़ के तो कोई फेल ही नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का कि जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए बस। अभी हमने क्या सीखा, इवन का एवरेज सीखा, और इसका एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं पहले क्वेश्चन की तरह, तो मैंने कहा 12 टू 30 का एवरेज क्या होगा इवन का, तो आप लोग कह सकते हो फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय 2, निकाल लोगे ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसका एवरेज कितना निकल के जाएगा? 20। एक रास्ता तो आपने यहां से तय कर लिया, अब कुछ नहीं करना, बस एक पॉइंट याद रखना कि जब भी एवरेज से हम लोग सम पे जाते हैं उसके योग पे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम लोग सम से एवरेज पे आते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, डिवाइड, जैसे समझाते हैं पहले, कुछ लोग टेंशन मत लीजिएगा, जितना आप लोग यूपीएससी को शॉर्ट मत करो, लॉन्ग करो उसको, कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर ध्यान रखिएगा हिम्मत हार जाते हैं। जैसे मैंने माना आप दो दोस्त हो, तीन दोस्त हो, ए बी सी मान लेते हैं, ये 10 रुपये खर्च कर रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, मैंने कहा इनका एवरेज क्या है, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर एवरेज मेरे पास कितना आया बेटा, 10 आया, और मैंने कहा इनका सम किया, तो 30 कैसे आया, यहाँ नंबर पर जितनी क्वांटिटी था मैंने उससे मल्टीप्लाई कराया तो कितना निकल के आ गया उसका 30, तो ये क्या आया, सम। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ से ओनली अगर एवरेज से हमें सम पे जाना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से या नंबर डाटा से, ध्यान रखिएगा। अब सोचो मेरे पास एवरेज कितना निकल के यहाँ से आया, 21, बात सही है, क्लियर है। अब ये बताइएगा छोटी सी बात, इस 12 से लेकर इस 30 तक कितना नंबरिंग होगा, इसको कैसे करेंगे इसके बारे में समझना। आप समझ सकते हैं कि इवन नंबर एक के बाद ही लगातार आता है, मैं अगर यहां से 1 से लेकर 10 तक लिखना चाहूं कुछ, देख लीजिएगा, समझना बहुत प्यार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 हो गया। अब मैं कहूं कि इसमें हाउ मेनी इवन नंबर इन 10 नंबर, तो आप कह सकते हैं कि कितने होंगे, 5, हाफ इवन होंगे हाफ ओड होंगे। तो अगर ऐसे ही हम लोग देखें, ध्यान रखिए छोटी सी बात को समझना है कि इस 30 में इवन कितने होंगे, 15 बोले, और 15 क्या होंगे, ओड होंगे।
बट ये कहानी कब से होगी, जब वो वन से स्टार्टिंग कर रखा होगा। मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि 12 तक इवन कितने होते हैं, 10 तक पूछा होगा, 5 बोलिएगा, समझ में आ रहा है नहीं यार। तो अगर मैं हिंदी में ये कहा जाए, ध्यान रखिएगा कि कुल 30 में 15 इवन नंबर होते हैं, जिसमें से मैंने 12 से स्टार्ट किया, तो वहां से 10 तक के 5 इवन नंबर नहीं आए, तो कितने बचे, 10 ही तो बचे, बोलिएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसका एवरेज अगर 21 है और इसमें नंबर कितना बैठा हुआ है 10, तो इसका सम ऑफ कितना होगा, ध्यान रखिए 210 योर आंसर। कैसे बताइए, 12 को मैंने काउंटिंग किया ना, अगर मैं 12 को काउंटिंग नहीं करूंगा तो बच जाएगा 9, इसलिए फिर समझते हैं अगर लग रहा है बेसिकली कंसेप्ट से। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा रहे। देखिए एक बार लिख ही लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार लिख लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है ना। जितना गरा करो कि पानी में उबाल क्यों आता, तो उबाल के देख लिया करो उसको, फिर आपको बार बार उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहां तक 29 then 30, देखिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, 12 से, इवन नंबर 1, अगेन मेरे साथ चले 2 3 एंड देन 4 5 6 7 8 9 10। मैं पीछे की जो 5 थे 1 2 3 4 देन 5 को मैंने मिस क्यों किया, क्योंकि मैं 12 से पूछ रहा हूं। किसी को दिक्कत तो, परेशानी तो नहीं किसी को। अब अगर हो सकता है एग्जाम आपको एनालाइज कर रहा है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता यूपीएससी सीसीएट में, सिर्फ आपको एनालाइज करने के लिए आते हैं कि आप कुछ जो डिसीजन लेने की पावर है वो कैसी वाली है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 to 80 इसमें इवन नंबर कितना होगा, हाफ हाफ होगा। बट अगर मैंने ये कह दिया कि 81 तो इसमें इवन नंबर कितना होगा, बट ओड एक बढ़ जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो वैल्यू बैठा है ना ध्यान देखिए वो ओड बैठा। अगर मैंने कहा यहां से 82 तो इसमें इवन कितना होगा, हाफ अप हो जाएगा 41 41। अब इफ मैंने आपसे कहा कि भैया 43, तो आप समझ सकते हो कि इसमें ओड बढ़ेगा और इवन सेम 41 रहेगा। समझ में आया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक क्वेश्चन निकालें फिर चलते हैं आपसे अगले स्टेप पे। लिखें द सम ऑफ ऑल odd integer, the sum of all odd integer between 1 to 1n 220। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिएगा, 220 आप इसका सम निकालना है आपको। नंबरिंग क्या है, इवन नहीं है इस बार, क्या है, ओड है। हिंदी में कहा जाए 1 से लेकर 220 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल पूछे बेटा, इज नॉट बी एवरेज, योगफल मतलब सम पूछे हैं, ओड है, विषम। वन जीरो नाइन कैसे जाएगा बेटा, 2 to 10 तक, 20 तक पूछे तो एक तो 20 220 ही हो जाएगा, 19 हो जाएगा, वो तो उससे कमा ही नहीं सकता बेटा। 110 नहीं आएगा कभी भी, हम सम पूछे ना एवरेज। तो क्या हुआ, हम बेटा सम पूछे हैं, योगफल पूछे हैं, नॉट एवरेज। चीजों को समझो, भागना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज क्लास के सिलेबस को हम लोग नहीं स्टार्ट करा पा रहे हैं, लेकिन चीजों को समझो कैसे हमें करना होता है यूपीएससी में। 1 to 1 बोले बेटा कितना, 1 to 1 00। देखिए अब चीजों को कैसे इसमें एनालाइज करना है, इन चीजों को समझना। मैंने क्या बोला यहां से 1 to 220, ओड है इवन है, ओड है ना, विषम पूछे हैं हम लोग। पहला कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि पहले हम इसके एवरेज निकाल। एवरेज के लिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2, बहुत सिंपल तरीका है आपका। तो ओड में इतना पहला ओड कितना 1 होगा, बट लास्ट क्या होगा यहां से, बोले 1
डिवाइड बाय, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता रहेगी नहीं, ध्यान रखिए इसको अगर बार बार आप लोग लिखोगे तो इसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे 1 और 219 220 वाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, यही तो आएगा एवरेज। अगर आपसे पूछता है कि एवरेज क्या है यहाँ से यहाँ तक का, तो आप लोग वैसे भी निकाल लोगे 110। अब सोचो मैंने कहा आपसे ध्यान रखिएगा कि इसका सम क्या है, तो मैंने कहा सम करने के लिए उसकी नंबर डाटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब नंबर और डाटा ध्यान रखिएगा, यहाँ से कहें कि 220 यहाँ से नंबर है, तो इसमें हाफ क्या होंगे, इवन होंगे, और हाफ क्या होंगे ध्यान रखिएगा, ऑड होंगे। अब इसका हाफ कितना होता है, तो क्या होगा 110 इवन और 110 ऑड। अगर हम लोग यहाँ 110 की मल्टीप्लाई करें तो कितना 121100 होगा, नहीं होगा बताइए। तो बेसिकली कंसेप्ट को सीखना है, बाकी इसमें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें है नहीं, कोई दिक्कत होने की चीज। तो अब सम भी सीखा हमने, एवरेज भी सीखा, टाइमिंग कम लगा लेकिन चीजें बहुत बिखर चुकी हो। हो सकता है आपसे यहां से आप अच्छे को बताइएगा 1 से लेकर 221 तक ध्यान रखेगा इवन नंबर कितना होगा बताएंगे, 110 होगा, क्योंकि एक कम ही होना है, क्योंकि इवन हमेशा लास्ट कम होगा अगर ऐसा कुछ है। अगर हम लोग ओल्ड पूछेंगे तो कितना होगा, 111 हो जाएगा। अगर हम लोग नेचुरल पूछेंगे तो सेम एस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इन इस तरह से पूरा डिजाइन करना है नंबरिंग सिस्टम को, और जब ये सीखेंगे तो आगे चलेंगे फिर हम लोग बेसिकली कंसेप्ट। फिर अब सोचिएगा अगर यहाँ से इसने ये काम करना छोड़ देगा तो पता है आगे क्या जाएगा, बहुत आराम से आपसे मजाकोरी करेगा, यूपीएससी वाला मजाकोरी करता है, बस आपको मजबूर कर देता है कि आप लोग उसको टेंथ में यूज कर ले, तो यूपीएससी को ध्यान रखिएगा, हंसते रहो बस हमेशा। बस जब मैंने यहाँ सिंगल नंबर पे काम करना सिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिएगा क्या इसमें कंसेप्ट रेडी इसमें हो जाएगा। पहले हमने क्या सीखा, इनका एवरेज, फिर क्या सीखा हमने, इनका सम। हो सकता है आपसे वो कहने लगे कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर 1 to 10, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देन क्या करेंगे यहाँ से, इसका स्क्वायर, देन इसका, प्रोसीजर यही काम करेगा। हो सकता है इसी इन्हीं क्वेश्चन में वो एवरेज भी लेके आ जाए और सम भी लेके आ जाए, तो समस्या क्रिएट हो जाएगी हमारे सामने कि यार हमने वो चीज़ तो पढ़ी थी यार, बट ये नहीं पढ़ पाए, इस वजह से हमारा यूपीएससी में सीसेट नहीं हुआ, तो जीएस तो हो गया था, सीसेट नहीं हुआ हमारा। लेकिन सीसेट भी ध्यान रखेगा बहुत भूमिका में रहेगा कि आप देख पाते होंगे 15 से 20 हज़ार बच्चे मेंस में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनका सीसेट क्वालिफाई, उनके दिल से पूछो क्या हाल होता है सीसेट के लिए। तो इसीलिए हमने कैसे का देखो, अब एक बात समझ में आ रही है ना, हम पॉइंट टू पॉइंट वर्क कर पा रहे हैं कि इसको कैसे कवर करेंगे। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आज इनका स्क्वायर क्या है। हो सकता है आपसे थोड़ा मजाखोरी करना स्टार्ट कर ले कि 1000 का 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आपके साथ वो थोड़ा सा और खेलेगा तो पता क्या करेगा, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, यहाँ समस्या आ जाएंगे, आएंगी नहीं आएंगी बताइएगा। चुनौती क्या हमारे पास, इसका एवरेज भी फाइंड करना होगा हमें, इसका सम भी फाइंड करना होगा। हमने बचपन से सीखा कि यार 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, बट यार ये स्क्वायर बड़ा लंबा आ रहा है, स्क्वायर निकालेंगे पहले, उसको फिर जोड़ेंगे और उसको फिर नंबर और डाटा से डिवाइड करेंगे, तब जाके कहीं आपके उत्तर प्रणाली में उत्तर लिखा होगा। हो सकता है सौभाग्य का अंक आगे पीछे हो गया तो उत्तर ही उड़ जाएगा आपका दिमाग में, खत्म हो जाएंगे, फिर पीछे से स्टार्टिंग करके आओगे, दोबारा काउंटिंग करोगे, और एक क्वेश्चन गलत हुआ ना यूपीएससी का जो तुम्हें आता हो, टेंशन हो जाता है। जो प्रश्न तुम्हें आता है और वही नहीं हुआ, अगले प्रश्न भी मान लो चला गया काम से। तो इसलिए प्रश्न को सही करने का कैसे करना है सीखना पड़ेगा। करें इस पे भी काम, आप रेडी है ना सब लोग, देखो कैसे इसे करते हैं। हो सकता है, देखो अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम एक बेसिकली नंबर से ही बना होगा, नॉर्मल सी बात है। हो सकता है यहाँ से क्यू पूछना स्टार्ट कर ले, भाई 4 तो होती नहीं, 3 तो होती है, क्यूब तो होता है, स्क्वायर होता है, तो इनको पूछना स्टार्ट जब वो कर लेगा तो बच्चा फिर एक ही रास्ता है। देखो अभी एक क्वेश्चन भी आया था अभी 2017 में पेपर में कि 1 से लेकर 150 तक 1 to 150 तक नंबरिंग लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 17 में पेपर में देखना लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एक पेज में एक इफ आ बुक कंटेन 1 to 150 पेज तो व्हाट इज द नंबर, कितना हमें रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा। तो अब सोचिए 1 से लेकर 150 तक अंकों को लिखने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता हमें पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने,
बच्चा विद्यार्थी टेंशन में आ गया, यार ये क्या कर रहा है, अंक तो 9 ही होते हैं 1 से लेकर 10 तक, और उसमें ऑप्शन था ही नहीं, ध्यान रखिएगा। अब ये चुनौती है हमारे सामने कि कैसे सीखा जाए, जबकि ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो मजाक हो रही है, जिसको पता है वो तो जाकर टिक करके भाग के चला जाएगा, और जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत बड़ा भूकंप है ये। चलें स्टार्ट करें फिर, है ना? तो बताओगे क्या यहाँ से 1 से 1 से लेकर 150 तक कितना रीड का यूज करना पड़ेगा? सेम एस क्वेश्चन 2017 में सीसेट में था, ये 1 से लेकर 150 पेज है किसी बुक में, उसको हमने डिजिट से प्रिंट करना है तो कितनी डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी हमें? 10 तो नॉर्मल आंसर है, हर किसी के पास होगा ये कि नंबर डिजिट 10 ही होती है, 0, 1, 2, 3, 9 तक होता है, ये सबके आंसर होगा, जबकि ऑप्शन था ही नहीं। और ये सीसेट का क्वेश्चन है कि बताइए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था उठाए थे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। चलो ऑप्शन भी दे देंगे, हम लोग लिखे थे 23, 25, 28, इनमें से कोई नहीं, क्या करोगे फिर तुम लोग? एक ही तुक्का उधर लगा के भागो यार, छोड़ो यार, एक ही रास्ता है, तो पकड़ लो तो उसको करके हटो, नहीं तो फिर छोड़ो, फिर दो ही रास्ते हैं। लेकिन देखिएगा, करेंगे इसको भी थोड़ा सा, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। देखिए आप सब जानते हैं, हालांकि इसको करा देते हैं पहले, यूपीएससी में पूछे, इसलिए हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन आगे आ जाए। हम जान सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक हर किसी नंबर में एक डिजिट होता है, और 10 से लेकर 99 तक ध्यान रखिएगा ओनली 2 डिजिट होता है 1 नंबर में, और 101 से ध्यान रखिएगा कितना डिजिट होता है, 3 डिजिट होता है 1 नंबर। हो सकता है इस बार वो 1150 डाल दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि 100 से लेकर 150 तक ध्यान रखिए 999 तक कर लेंगे। अब सोचो यहां से यहां तक कितना नंबर है बेटा, 9, एक नंबर में 1 डिजिट यूज हो रहा है तो 9 डिजिट यूज किया गया होगा यहां पे, और यहां 10 से लेकर 90 तक, अब बताओ यहां कितना नंबर है? यही बस गेम है, यही गेम है जिंदगी का। जब आप ये सीख जाओ कि तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी, कितनी बची है, समझ लो वही मैथ है। बस बच्चे बता रहे हैं 89, मुझे बड़ी खुशी हो रहा है ध्यान रखे, हालांकि क्वेश्चन ये गलत है, 9 मजाक नहीं कर रहा, मैथ को बहुत ऐसे पढ़ो जैसे मजाकुरी के साथ पढ़ते हैं। देखिएगा जितना चीजें आप लोग यूपीएससी के लिए, जितना चीजें आप लोग एग्जाम्पल वेज पे रेडी करोगे ना, उतना चीजें स्टोर होंगी माइंड में ज्यादा। आप लोग जीएस को पढ़ते हो, देन किसी चीज को पढ़ो उसको एग्जाम्पल बेस पे रेडी करो, ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके पीछे एग्जाम्पल लीजिएगा, एक एग्जाम्पल अगर आपके पास होगा तो आपको मेंस में लिखने की कला आपके साथ होगी, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल नहीं है तो थ्योरी लिख के भागाओगे दो पेज की, 250 पेज को बन ही नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए आपसे शब्द, और शब्दों की महिमा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात सोचिएगा, जब हमने अगर हम एक बात मान लेते हैं कि यहां से इनको घटाया जाए तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। आपने यही किया हो, मैं भी यही कर रहा हूं, लेकिन समस्या क्या है, एक छोटी सी बात को समझते हैं बहुत आराम से दोस्तों। टेंशन का तो विषय ही मत लेना इसी सेट के साथ। अब अगर हमने 10 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मैंने कहा हाउ मेनी नंबर इन 10 to 20, 10 से 20 तक कितने अंक हैं, अक्षर हैं, अंक हैं, कैसे? मैंने पूछा ना, देखिए समझिएगा, पहले काउंट कर लेते हैं, अंधे बन जाओ बिल्कुल, ध्यान रखिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो रहा है ये तो। तुम 10 कहां से गा रहे थे, क्योंकि 10 को भी इसमें काउंटिंग किया गया। अगर एक वर्ड डाल देता है इसमें, एक वर्ड डालता है 10 के बाद, आफ्टर 10 नंबर ऑफ 20, तो कितना 10 आ जाता है। बट मैं 10 से लगा लिया हूं तो इसलिए वो नंबर भी क्या होगा उसमें काउंट होगा, इसीलिए यहां नंबरिंग कितने, नंबर कितने आएंगे बेटा बताओ कि कितना, 90 आएंगे, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि मैं 10 को भी काउंटिंग करना पड़ रहा है, और मुझे पता है कि एक नंबर में 2 डिजिट काउंट होते हैं, तो यहां कितने काउंट होंगे, 180। आगे चलते हैं थोड़ी सी कहानी को लेके, जब हम लोग 100 से आएंगे दोस्तों, तो यहां 100 से एक छोटी सी बात सोचिएगा कि बेसिकली कंसेप्ट यहां 100 से जो काउंटिंग करेंगे 150, तो नंबर कितने होंगे, 51, क्योंकि 100 को भी काउंटिंग करना है। अब 51, एक डिजिट में, एक नंबर में कितना डिजिट काउंट हो रहा है, 3, तो कितना काउंट होगा यहां से, 163। अब भैया ऑल नंबर यही तो होगा ना, 3 से मल्टीपल, 153, सॉरी। अब इसको ऐड कर लीजिएगा कि कुल कितना नंबर प्रयोग किया गया, यही क्वेश्चन 17 के सीसेट ने पूछे हैं, और बच्चे 89 के कंपेयर से लगा के जब आए थे ध्यान रखिएगा ना, तो एक नंबर उनका कम बैठा होगा,
और खुश हो रहे होंगे लगा के घर आके, क्योंकि जो गलत करके आते हैं घर आके बड़े खुश होते हैं, सही है कम। और जब उत्तरमाला आती है ध्यान रखिएगा ना, तो बहुत दुखी होते हैं कि जहां सब, जब जो भी बंदा पता है क्या यूपीएससी पीटी देखे आता है ध्यान रखिएगा ना, तो अपने नंबरों को 70 से कम बताता ही नहीं। ऐसा देखा होगा आप लोगों अक्सर कि जब यूपीएससी जब पीटी देखे आते हैं पूछना किसी से, तो 70 से कम बताता ही नहीं ध्यान रखिएगा कि 70 सही है। आंतर की आते गाते उसके ध्यान रखिए 53 बच जाते हैं। तो ये ऐसे वाले नंबर ये ऐसे वाले ही होते हैं ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने क्या बात कर रहे थे, स्क्वायर की बात कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस कंसेप्ट वाइज सीखना है, कुछ नहीं सीखना है, कोई किस चीज का यूज नहीं करना, माइंड यूज करना है, बस चीजों को समझना है बस दोस्तों। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मैंने आपसे पूछा कि 100 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर प्लस इनका सम पूछ रहा हूँ, पहले में 100 स्क्वायर, 99 स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, तो सीक्वेंस देगा विदाउट सीक्वेंस देगा, विदाउट सीक्वेंस देगा तो भी क्या करेंगे, सीक्वेंस देगा तो भी क्या करेंगे, इन चीजों को हम लोग जानेंगे ध्यान रखिएगा। इज राइट देन 97 स्क्वायर, अगेन अगेन करता लगे 90 स्क्वायर। अब बताइए इस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए ध्यान रखिएगा, कि 100 का स्क्वायर तो आप लोग निकाल लोगे यार, एक के जगह चार यू लगा दो आ जाएगा, 99 का स्क्वायर भी निकल जाएगा, चलो मान लेते हैं 98 भी थोड़ा निकलेगा, निकल तो सभी जाएंगे ध्यान रखिएगा ना। लेकिन समस्या यह है कि इतना टाइम इससे वेस्ट करें, फिर कंप्रीहेंशन को कहाँ से करें। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के साथ 80 क्वेश्चन करने के लिए भी ध्यान रखिएगा टाइम कम पड़ जाते हैं, और लास्ट में यही कहते हैं कि टाइम कम पड़ गया। टाइम कम कम क्यों पड़ा, क्योंकि उनका जो मेथड है, उनका जो कंसेप्ट है, वही काम करा जो अकेडमी में काम कर रहा था। और वही चीज़ तुम आज लेके आ रहे हो तो यूपीएससी कहाँ क्रैक कर रहे हो, तुम तो 12th पास कर रहे हो तब भी। इसलिए इसको क्रैक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा आप लोगों को स्क्वायर थोड़े से याद हैं सबको, नहीं है बिल्कुल भी, इसका यूज़ हम लोग परसेंटेज में करेंगे। अगर आपको मल्टीपल अच्छी करनी है ध्यान रखिएगा, तो परसेंटेज अच्छी करने से पहले उसकी नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा पूरा। मान लीजिएगा अगर मैंने बोला 1 से लेकर 125 तक स्क्वायर सबको याद है या नहीं है पहले ही बताइएगा। 1 का पता होगा 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का भी पता होगा ठीक है, 18 का कितना होता है, कितना 19 का, 22 का, 23 का, 529, 24 का, 576। ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो बचपन की बातें हैं। हालांकि तुम्हारा बचपन सब कुछ यूपीएससी में पूछता है ध्यान रखिएगा, बस इसको कैसे पूछता है ये उसने तरीका चेंज कर रखा है अपना पूछने का, हालांकि है सब कुछ बचपन का ही। देखिएगा अगर आपको ये स्क्वायर पता है तो बाकी स्क्वायर को आप लोग 10 सेकंड में कर लोगे, फिर हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे कैसे इनको जोड़ना होता है। मैंने एक 100 का स्क्वायर दिया, 100 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आराम से, कुछ नहीं करना होता। एक का स्क्वायर 1 होता है, जहां 2 होते हैं कितने होते हैं वहां पे 4 होते हैं। अब देखिएगा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जो कि एक कंसेप्ट से काम करना है हमें, कुछ नहीं करना, कंसेप्ट वही है, एक चीज को सीखना है बस। हो सकता है आपसे 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर दोनों का ही स्क्वायर करके पूछ रहा हो, तो 99 का स्क्वायर निकालने के दो रास्ते हैं, कि जो लोग मार्केट में या कहीं भी ट्रिक वगैरह यूज करते हैं वो ट्रिकें कहना कहीं फेल हो जाती हैं। तो एक कंसेप्ट समझने का तरीका होता है कि जब एक बेस आपने सीढ़ी बनाई है, तो सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दूसरी जेब चढ़ा सकते हो ध्यान रखिएगा। अब 99 का स्क्वायर जब निकालना है आपको, तो एक रास्ता तो ये है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा जाए, भाई तो सब बच्चे भी जानते हैं, हमें क्या पता। और इसको करोगे तो फिर तुम कहाँ यूपीएससी थोड़ी दे रहे हो, एलकेजी यूकेजी पढ़ रहे हो, अभी गुणा करना सीख रहे हो। और यदि एक तरीका फिर ये होता है कि इसको ए माने, इसको बी माने, यार ये भी समस्या है, अगर 3 नंबर आ गए तो फिर क्या माने, ए बी सी। और फिर इसे इससे करने के लिए आदमी के पास फॉर्मूला भी होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी वाला। अब चलो इससे ट्राई कर लेते हैं पहले, कि अगर मैंने यार फोन लगाया तो इसका फॉर्मूला ए का मान ये है, बी का मान, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करना स्टार्ट करें तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, लगा दीजिएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2, बात तो फिर और बड़ी हो गई। तो भाई तुमने यहाँ इसका स्क्वायर किया, फिर वो किया करके ध्यान रखिएगा, फिर बाद में जोड़ से चाहे गुणा कर लो, क्यों आगे जा रहे हो। बट करना क्या है, चीज़ समझना पड़ेगा आपको बहुत आराम से, एक बार ध्यान करना, आंखें बंद मत करना बिल्कुल भी। मैंने इसको बेस माना 100 को, और इसे लेस कितना किया,
बस कुछ नहीं करना, जो यहाँ लेस करना पड़ रहा है और यहाँ लेस करना पड़ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुश्किल से 25 तक लेस करना पड़ेगा। अभी आप ही सब निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 1 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 0.1। अब मैंने 0.1 क्यों लिखा, ये समस्या आपके साथ। जब भी कोई नंबर 1 सिंगल होता है वो 0 का एक बेस पे होता है, ध्यान रखिएगा। चले अब सोचो, जो यहां लिखा हुआ है वहां से जितना हम लोग लेस कर रहे हैं, 99 से अगर 1 लेस कर लें तो कितना जाएगा, 90। ये स्क्वायर है इसका। बस फिर समझो एक बार अगेन, अगर मैंने 98 लिखा तो 98 को हम लोग थोड़ा सा माइंड से करेंगे, अब ये नहीं लगाएंगे। 98 में 100 से कितना लेस हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 0.4। अब यहाँ 98 से लेस कितना करना, वही वाला 2, तो कितना जाएगा, 96। 98 में से 2 लेस करेंगे ना, फिर समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझो। कौन सी ट्रेन थोड़ी जा रही है अभी, 97 यहाँ लिखा हुआ है, चलो माइंड यूज करते हैं। 97 में से कितना लेस करना पड़ा, 103 का कितना हो जाएगा, 09। और यहाँ 97 से जो लेस स्क्वायर किया वो ही लेस करना है, तो कितना जाएगा, 94। टाइमिंग कितना लग रहा है, ओनली 5 सेकेंड। ये टाइमिंग कहाँ बचेगा, आपको कहना कहीं अलग काम आ जाएगा। ये लोग कहते हैं टाइम मेरा बच गया, और सीखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, फिर समझाओ। 94 लिखा है, अभी चलेंगे सारी कहानी हम लोग, पहले समझ लीजिए पहले एक बार। 94 बेटा क्या होता है, 106 लेस होता है, कितना लेस करेंगे, 36 या 36। अब इस 94 में से वही 6 लेस करना है, कितना जाएगा, विद इन 1 सेकेंड योर आंसर। फिर समझते हैं, टेंशन का तो कोई विषय नहीं आपके साथ, आप सब लगता है पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे ना वहाँ टेंशन होती है, उन्हें पढ़ना ही नहीं तो कहाँ पढ़ाएं उन्हें। अब तुम पढ़ने आए तो सीखिएगा, देखिएगा, फिर एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। हमने लिखा 103 का, 3 नंबर का स्क्वायर निकालना है इसका। अब आ रहा है दिमाग में कुछ, मैं वही काम करूंगा जो तुम्हें सिखा रहा हूँ कंसेप्ट से। 3 ज्यादा हो रहा है 100 से बेस से, क्या हो जाएगा बेटा, 3 3 9। और इस 3 में X103 में वही 3 जो स्क्वायर कर रहे थे, कितना हो जाएगा, 10। आप समझ सकते हैं कि 5 डिजिट का मल्टीपल हमने 1 सेकेंड में किया है। चलो ट्राई करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आंखें बंद मत रखना। लेकिन यहाँ लिखा 104 लिखा है, 104 क्या करें, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसमें 104 में कितना ऐड करना है मुझे, 4, क्या आ जाएगा इसका। अरे कितना टाइम लग रहा है आपको करने में, 5 सेकेंड। आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान रखिए, ऐसे करके हम लोग सीसेट के, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया भी है, ध्यान रखिए सीसेट में। और अब लोग इसको, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, ध्यान रखिएगा, वो हफ्ते में सीसेट के लिए ज़्यादा टाइमिंग हो सकता नहीं है, 2 घंटे काफ़ी, हफ्ते की बात कर रहा हूँ, दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा, या कमज़ोर है, कहते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, उनकी मानसिकता कमज़ोर है, वैसे वह कमज़ोर नहीं है वो, तो उनके लिए पर डे आधा घंटा बहुत ही इनफ है। और जिसको लग रहा है कि सीसेट ठीक से करना है, वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बेसिकली आपको लगा होगा कि जो यूपी से लोग होंगे तो यूपी में आप समझ सकते हैं कि आप पीसीएस में देंगे, हालांकि आगे क्या होगा उसका नहीं पता, बट जो मेंस में सेकंड पेपर जो होता है उसमें मैथ की क्या होती है, अच्छी खासी भूमिका होती है। स्टैटिक्स होता है, वहाँ गुणा भाग ही है, कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। और 40 नंबर का मैथ में पीसीएस के मेंस में दूसरे सेकंड पेपर में आता है, जो GS2 होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको मैथ नहीं है, 40 नंबर उसके क्या हैं, बेकार हैं। तो इसलिए जो पीसीएस देगा उसके लिए मैथमेटिक्स भी क्या है, इंपॉर्टेंट बना हुआ है। प्री में तो पढ़ाई सीसेट से मैथ, और मेंस में वो सेकंड पेपर में बनता ही है। चलिए अब कितने लोग निकाल लोगे इसे, बताओगे मुझे क्या, नहीं बताएंगे पक्का। देख लेते हैं कितने लोग निकाल लेते हैं, कलम नहीं चलाना ना, जितना माइंड यूज करोगे इतना ये माइंड भागेगा, ध्यान रखिएगा। इसको भगाओ जितना भगाना, इसको चक्कर लगाओ दीवारों से, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला। 108 हाँ, कुछ नहीं हो रहा, टूटोगे फूटोगे सही तो हो जाओगे ना। ड्राइविंग कब सीखते हैं, जब हम लोग टूट जाते हैं। हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल डू, क्या करेंगे बेटा, इतना तेज बोल रहे तुम तो बहुत तेज हो गए पढ़ने में अब्दुल्ला। ऐसे ही सीखना है, जितना तुम कंसेप्ट को रेडी करोगे, ध्यान रखिएगा ना, लिंक करके उतना मजा आ जाएगा। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, 112 निकालना है, 11 निकालना है, हालांकि इसका तो बहुत इजी होता है, इसी के लिए इजी होता है, थोड़ा सा टूट लगा देते हैं इसके पीछे, ये दिक्कत आ जाएगा।
चीजें जहां होना पूरी होनी चाहिए, अधूरी आदमी को ज्ञान, अधूरा ज्ञान आदमी को बर्बाद कर देता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसी को समझना है आपको, कैसे करना है बता रहा हूं। जब यहां वैल्यू 9 से आप ऊपर हो जाएगा तो वहां रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं समझ लीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं। कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस के कितना होगा बेटा यहां से 2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो यहां हम लोग प्लस करेंगे, जो माइनस करेंगे, उसी के स्क्वायर करने के लिए बोला था मैंने। तो स्क्वायर कितना था 12 का, 144 होता है। तो उसमें सिर्फ लास्ट के दो ही डिजिट लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4। जो यहां बचेगा 144 का, वो 1 के जगह रिमाइंडर बन जाएगा, इज राइट। अब सोचो 1, 1, 2 में अगर 12 हम लोग ऐड करें, सम करें, तो कितना हो जाएगा 1, 1, 4 हो जाएगा भाई, 112 और 12 124 होता है, समझ सकते हैं ना। और यहां से एक क्या हमारा कैरी बचा हुआ है, रिमाइंडर है, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 5, 4। एक बार ट्राई करते हैं, फिर एक बार अगेन मैंने लिखा यहां से 113 का, देखिए कलम यूज नहीं करना है भाई, 13 ज्यादा हो रहा है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो 69 लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, 69 लिखेंगे। कैरी कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर 1 बचा। अब अगर हम लोग 113 में 113 ही जोड़ें, 126 हो जाएगा, 126 और 1 रिमाइंडर का, तो कितना जाएगा यहाँ से, कहाँ चला गया ये है, कितना 120 बताइए। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, पक्का निकालेंगे एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एक बार बताएं, जिनको पता होगा इसका स्क्वायर बताएंगे। डू नॉट यूज इंक, पेन का प्रयोग नहीं करना है, माइंड का प्रयोग करना है, इसको भगाना है आगे। तो सिस्टम का स्क्वायर कितना होता है बेटा, सिस्टम का 256 होता है, 56 तो हो ही जाएगा ना, और 116, 132 हो जाएगा, और 2, 134 कितना जाएगा 134। कुछ करना पड़ा हमें, बिल्कुल ऐसे ही टीचर को रोकिए जो गलत पढ़ा रहा हो, कहीं भी पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर ज्ञान को जांचने की क्षमता है तो आप सफल हो जाएंगे, और यदि तुम मूर्ख बनने की क्षमता, तो लगातार मूर्ख बनते चले जाओ, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 5, 6, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से, कितना ही क्वेश्चन कर लोगे, कोई समस्या का विषय नहीं होगा। एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर चलते हैं आगे कंसेप्ट पे, मजा आ रहा है भी नहीं आ रहा है। ये सब सीख लोगे ना, पता है कि आपको फिर आपको समस्या नहीं आएगी कि हाँ ये गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते करते हैं। चार चीज होती है पूरी मैथ में, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस गुणा भाग। कैसे अब देखिएगा, मुझे निकालना है 88 का निकालना है, समझना है क्वेश्चन को कैसे निकाल लेते हैं। तो बेटा 88 क्या होता है बताना जरा, बताएं 100 माइनस तो 12 का स्क्वायर कितना, वही 144, और मैंने कहा था 1 कैरी को लेना है। तो हम क्या करेंगे, 144 तो 44 तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर भी आना है। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1। मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास बेस है उसी में से किसको घटाएंगे, 12 को। अगर हम लोग 88 से 12 को घटा दें तो 76 बचेगा, बेसिकली कंसेप्ट है। जैसे आपको मन करे 88 में से अगर 12 घटाओ, ऐसे यार ऐसे घटाओ को दिक्कत आ जाएगी मेरे साथ, कितना जाएगा। और यहां से ये एक क्या हमारे पास कैरी है, रिमाइंडर है, इसको जोड़ना ही है, चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो 76 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तो कहां चला, 70, ये आंसर बन जाएगा। सीखा कुछ हमने विद इन 5 मिनट में, हम लोगों ने कुछ चीजों को जोड़ना घटाना सीखा, ध्यान रखिए, और कुछ भी नहीं सीखा, ध्यान रखिए। तो सारी तरह से हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, उसको सीखना है। डरोगे तो और तुम्हें डराएगा, ध्यान रखिएगा, और सीखोगे तो कहीं ना कहीं वो एक एक कंसेप्ट करके रेडी हो जाएगा। हाँ तुम्हें डर लग रहा है बहुत चीज़ों से, तो कुछ चीज़ें आज क्लियर हुई होंगी, कुछ चीज़ें फिर आगे होंगी, तो ऐसी करते करते डर पर काबू पा लेंगे। तुम्हें लग रहा है कि हाँ पूरे डर पर पहले एक बार काबू करना है, पॉसिबल नहीं है कि एक बार डर पर काबू पा लिया जाए। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, आप बताएं, पक्का बताओगे ना, तो 87 बताओ कितना आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आराम से, अगर 5 सेकंड लगने तो कोई दिक्कत का विषय नहीं, सीख ही नहीं लगा रहे हो अभी आज तो। और घर जाके तुम प्रैक्टिस जब इसकी करोगे, ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये चीजें और फैक्ट हो जाएंगे, और चीजें कहीं ना कहीं, ध्यान रखिए। अब सोचिए, अब बात करते हैं यहां कैसे काम करेंगे, इसके पीछे एक बात समझते हैं।
अभी मैंने आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, फिर एक टॉपिक खत्म कर अगले कंसेप्ट पर रेडी करेंगे। हमने अभी कहाँ से सीखा, मैंने कहा था एक से लेकर 1 से 25 तक आपको एवरेज खुद ही स्क्वायर आपको माइंड करना है। सबको पता है नॉर्मल एक का कितना होता है, दो कितना होता है, 25 तक आपको याद करना है। तो मैंने सिर्फ आपको दो कंसेप्ट इस स्क्वायर निकालने के लिए बताया। एक तो मैंने कहा 100 से आपको जो काम करना है 125 तक काम करना है, और ये नीचे तक कहां तक काम करेंगे, अबव बिलो 75 तक। तो यहां से यहां तक स्क्वायर कितने बैठ पा रहे हैं भैया, देखना जरा 50 हो रहा होगा। अब इनके बीच में अगर मैं तुमसे कोई स्क्वायर पूछ रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा 123 का स्क्वायर मैंने पूछ बैठा, तो इसको आराम से कर लोगे। कैसे करोगे आपको पता है, बताइए कैसे करेंगे, मेरे साथ काम करें। 23 का स्क्वायर करेंगे 529 लिखेंगे 29 5 रिमाइंडर 123 में 23 जब ऐड करेंगे 146 बन जाएगा, और 146 में 5 ऐड 150 आ गया आंसर। तो मैंने कहा कि यहां 100 से लेकर 125 तक यानी यहां तक ऐड करना है, और 100 से नीचे 75 तक क्या करना है, लेस करना है। चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसे अगेन 79 मैंने लिखा मान लेते हैं 1 टाइम, इसका स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो बेटा क्या यहाँ 21 लेस है ना, और 21 क्या होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441 मतलब कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 41 को हम लोग यहाँ डिले कर लेंगे। क्लियर है। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4। अब सोचो यहाँ 79 से लेस कितना करना है, वही 21 जो हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, तो 21 हम लोग लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से लग रहा है, माइंड से कर लो, नहीं तो घटा के कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ भी। कितना बच जाएगा बेटा 58, और रिमाइंडर हमारे पास कितना था 4, कितना होगा 6 से 2 40। तो हमने क्या सीखा अभी कि 75 से 125 तक अगर वो स्क्वायर पूछ रहा है तो उसको कैसे हम लोग डिले करेंगे। अब उसके जोड़ने को सीखेंगे, देखिए कैसे सीखना है, चलें स्टार्ट करें। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि 125 तक तो हमने क्या सीखा है, आपको माइंड करना है, याद होंगे तो नॉर्मल सी बात है। 75 से 125 आपने निकाल, मैंने सिखा दिया आपको। अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कहां से बचा हुआ, ध्यान रखिएगा 50 से कहां तक 25 से। इस पार्ट को भी रेडी कर ले, बताइएगा, कहो तो। थक तो नहीं गए आप लोग ना, थकान मत रखिए चेहरे पर, ध्यान रखिएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो 25 से लेकर कहां तक काम करेंगे, 50 तक, और 50 से नीचे क्या होगा, ये लेस होगा, और ऊपर क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। सेम पोजीशन पे काम करेंगे, 75 से यहां से यहां तक क्या होता, लेस हुआ था, ऐसे यहां क्या होगा, लेस होगा, यहां पे क्या होता, प्लस होता, यहां पे क्या होगा, प्लस होगा। क्या करना है इसके बारे में समझते हैं, स्टार्ट करें, और तुम ही लोग निकालोगे सब कुछ। देखिए कैसे इसे करना है, फिर चलेंगे। ये लिखा है मैंने 50 का स्क्वायर, किसको नहीं आता, सबको आता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या होगा बेटा बताना, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। इसे निकालना कैसे, पहले चुनौती हमारे सामने ये बनती है, तो उसका एक कंसेप्ट देख लीजिए कैसे हमें करना है। इसमें सेम प्रोसीजर जो पहले कर रहे थे, यहां 100 से हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे, यहां किससे माइनस प्लस करेंगे, 50 से करेंगे। तो मैंने क्या सीखा आपको कि यहां 25 से 75 के बीच में क्या बेस होगा, 50, और यहां 75 से लेकर यहां क्या बेस होगा, अगर ऊपर भी दम है निकालने का, हालांकि अभी आज तक देखा नहीं हूं किसी एग्जाम में भी, तो अगर उससे ऊपर जाएंगे तो कहां तक, कहां नहीं आएगी, 175 तक, बट वहां बेस क्या होगा, 150 होगा। इससे भी ऊपर अगर जाना चाहते हो, जहां तक तुम्हें इच्छाएं हैं, तो वहां से वहां तक कहां होगा, 225 तक, तो बेस कितना हो जाएगा। आगे भी सेम कहानी ऐसी जाएगी जहां तक इच्छाएं हैं, बट चीजों को समझना है बस। अब सोचिएगा यहां पे क्या होता है बेटा, 50 प्लस के सेम प्रोसीजर काम करना है, क्या हो जाएगा यहां से, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे बेटा, बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है, उस स्लिप को याद कर लेना अपना थोड़ा सा, कि यहां एक छोटी सी बात सुनना, कि यहां जो काम करेंगे वो करेंगे 25 से, यहां किससे काम कर रहे हैं, 100 से, ऊपर जो काम करेंगे ध्यान रखिएगा किससे करेंगे, 225 से। अब एक दिमाग से लेयर आ रहा होगा कि हम लोग यहां 5 के स्क्वायर पे काम कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर है, यहां किसका स्क्वायर बन रहा है, 10 का, और यहां किसका स्क्वायर बन रहा है, 15 का, ऊपर जाएंगे तो किसका स्क्वायर होगा, 20 का। तो यहां भी हमने क्या एक लेयर कंसेप्ट से काम करना स्टार्टिंग किया, कि यहां पे जो वर्क किया हमने किससे करेंगे, 5 के स्क्वायर से, यहां किसका स्क्वायर से काम कर रहा था हमें, 10 के स्क्वायर से। तो यहां 5 का स्क्वायर बेस मान लेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 25 होता है। अगर यहां बेस 25 है तो 25 में कितना लेस करना पड़ रहा है, 1, तो कितना हो जाएगा, 26।
फिर समझो अगेन, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता। यहां देख लीजिएगा 50 प्लस के दो लिखा है, दो का स्क्वायर क्या होता है बेटा? जीरो। और यहां से ये बेस क्या है, यहां पे 25 है ना, और 25 में अगर 2 ऐड कर लेंगे कितना लगेगा? 2704। अगेन फिर प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझो पहले चीजों को, कितना लगेगा? 50 प्लस के 3 कितना होता है बेटा? 3 3 9। और यहां 25 है बेस माना हूं, 23 और 3 कितना है? 25 28। कुछ सीख रहा है हमने? नीचे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 48 मैंने निकालना सिखाया आपको, तो 48 बेटा समझते हैं क्या होगा, 50 माइनस 2 होगा, तो 2 लेस करना पड़ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 0। अब यहां बेस क्या है हमारे पास? 25 है, और 25 से अगर हम लोग 2 लेस कर लें तो कितना बचेगा बेटा? 23। बोलो कोई दिक्कत किसी को? मैथ में डरना नहीं है बस, मैथ में डरोगे तो तुम्हें वो डराएगा, कहते हैं ना मैथ की आत्मा ही, मैथ की प्रूफों में लिखी है कि मेरी आत्मा तुझे हमें सताएगी, ध्यान रखिएगा लिखा है, ऐसा लगा लूं मैं, मेरी आत्मा तुझे सताएगी हमेशा, है ना। देख फिर ट्राई करते हैं एक बार, आप लोग करेंगे आप लोग नहीं करेंगे बताइए, 46 कितना होता है बताएंगे? अच्छा आप बिना कर डाउंटिंग, देखिए 4 है ना, 4 4 16 हो जाएगा, और यहां बेस क्या है बेटा? 25, और 25 से लेस करना है ऐड करना है ये आपका निर्णय करना है, क्योंकि वो नीचे है वैल्यू तो माइनस करना है, और 25 से अगर 4 लेस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 21। नो डाउट किसी को? फिर ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए बेटा 57 पे ट्राई करते हैं हम लोग, इसका अच्छा कैसे बताएं? अच्छा ठीक है, लो बेस से समझ लेते हैं बेटा, कितना होता है 50 प्लस के माइनस के 4, 4 4 जा 16 होता है। अब सोचिएगा यहां से बेस क्या है? 25 है, 25 से 4 लेस 21, योर आंसर ओनली 5 सेकंड। ये टाइमिंग आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में काम आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से 57 निकाल के इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, देख लीजिए कितना आराम से कर लिया हमने मात्र 10-15 मिनट में। क्या होता है बेटा बताना जरा इसका? कितना? 49। और बेस क्या था वहां पे? 25, और 25 में ऐड क्या करना है? 7, तो क्या हो जाएगा इसका? टाइम वेस्ट, आराम से कर लो बहुत आराम से। चलो ठीक है एक बार अगेन कर लेते हैं बेटा, बताना इसका क्या होगा? 59 का 9 9 जा 81, और 25 में 9 ऐड करना डायरेक्टली तो कितने का? 30। कुछ लगा? टाइम नहीं लगा। तो अगर एक बार अगेन हम लोग इन चीजों को समझें तो सोचिएगा हमने मात्र 10 मिनट में एक से लेकर कहां तक रेडी कर ली है मल्टीप्लाई करने के लिए? 125 तक। अब तुमसे कुछ भी पूछ लीजिए आप आराम से निकाल लेंगे। अब जिससे पूछेंगे बताएंगे, नहीं बताएंगे आप लोग, मेहनत आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखिए कामयाब। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा, अगर कॉपी को सब बंद कर दीजिएगा अपने। देखिए रेडी है ना सब लोग युद्ध के लिए ना? चलिए युद्ध भयानक होना चाहिए। 61 आप बताइएगा, 61 चीजों को समझ के और उसमें प्रैक्टिस कर लिया जाए तो कोई टफ नहीं है, समझ लें और प्रैक्टिस ना करें तो दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। थर्टी सिक्स क्या बोल रहे हैं आप लोग? 37 37 21। एनी अदर? कोई और बोल रहा है भाई? कैसे किया हमने? 11 मोर है, इसको 11 का 121 होता है, 21 लिखा, रिमाइंडर 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ 25 है, और 25 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा, और 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी के साथ। उसके बाद बताएं एक और, फिर चलते हैं 37 नॉर्मल है ये, तो बताएं कितने लोग निकाल पा रहे हैं? कितना बेटा? अब देखो यहां कितना कम है, 13 कम है ना,
अब वो 13 अगर कम है ध्यान रखिएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 69 लिखेंगे ना, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब सोचो यहाँ क्या है हमारे पास, 25 है नहीं है, और वहां से कितना कम है ध्यान रखिएगा, 13। अगर 25 में से अगर हम लोग 13 लेस करें तो कितना बचेगा, 12, और एक रिमाइंडर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13। कोई दिक्कत होने किसी को, चले अभी क्वेश्चन देखिए यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर 1 से लेकर 125 तक अगर क्वेश्चन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये क्वेश्चन अभी 2012-13 के इसी सेट में आए थे, नंबर से ही ध्यान रखिएगा आएगा कि 10 दोस्त हैं और वो दावत खाने के या नाश्ता करने के पश्चात घर जाने के लिए सबसे हाथ मिलाते हैं, सुने होंगे क्वेश्चन, देखे होंगे आप लोग, तो हैंडशेक करते हैं, तो वहाँ कितनी बार उनका हैंडशेक होगा, सेम क्वेश्चन बोला हूँ ध्यान रखिएगा, कि 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, तो उनका जो हैंडशेक होगा वो कितनी बार होगा, देखिएगा वो नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है ध्यान रखिए, 200। देखिए अब कैसे इसको सीखना है, ट्राई कर लेते हैं, इसको बात करते हैं बहुत आराम से। जितनी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन को तुम देखोगे ना, उसको जांचोगे कि हाँ एग्जाम का क्वेश्चन कहाँ से वो आपसे मांग रहा है, उस पोर्शन के साथ जो उससे और पोर्शन बन सकते हैं कैसे से करेंगे। हर किसी बुक्स में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, आपके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 फ्रेंड हैं आपस में हैंडशेक करते हैं, मिलाते हैं ध्यान रखिएगा, तो कितनी बार उनके हाथ आपस में मिलेंगे, ऐसा ना पूछ के वो हो सकता है ऐसा पूछ ले कि कुछ दोस्त हैं जो हाथ मिलाते हैं। यदि कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 132 है तो दोस्तों की संख्या ज्ञात करें। दो रास्ते होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि जाने का रास्ता क्या है और एग्जाम के आने का रास्ता क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ बैठा वो, हो सकता है कि उसी वे पे जाके वो दूसरे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन टर्न कर ले नेक्स्ट ईयर में, फिर पूछेगा कि 10 दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं कितनी बार हैंडशेक उनके होंगे, या ये पूछ सकता है ध्यान रखेगा इतने हैंडशेक हुए तो कितने दोस्त थे, दोनों ही क्वेश्चन टर्न करेगा यहाँ से। अब समस्या क्या है कि इसके करने के लिए लोगों ने लगा रखा है एन माइनस करके वन होता है, तो अब इन सब चीजों को, हालांकि इसके माध्यम से भी फॉर्मूले लगा के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फैक्टर करके, बट अगर डायनेमिक तरीके से सोचें कि ये ऐसा होता ही क्यों है, तो यूपीएससी चाहता है कि जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, ये चीजें आपसे पूछेगा बार बार वो, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं, समझते हैं, पहले हम लोग 5 दोस्त लेते हैं, छोटा क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर बड़े क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आप लोग खुद भी कर लोगे बड़ा क्वेश्चन, तो चलना सिखाओ बच्चों को, दौड़ तो खुद लेता है अपना, ऐसा होता है ना, वही काम। 4, 5, 4 उल्टा कर लिया है मैंने, स्टार्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 दोस्त हैं आपस में हाथ मिलाएंगे, तरीका कितना होता है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, बेसिक फॉर्मूला है, किताबों मिलेगा रटेगा, लेकिन इसको ऐसा हुआ क्यों, इसके बारे में ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों बना, इसको सीख लेते हैं पहले आज, एक कंसेप्ट को सीखेंगे जब जाके नंबर सिस्टम एक रेडी होगा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं नंबर सिस्टम बेस से लेके चल रहे हैं और अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ध्यान रखिएगा। एक बात सोचो, ये एक बंदा है, ये दूसरा वाला बंदा है, तीसरा है, ये चौथा है, देन ऐसे ही 5 बंदे हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, जैसे उसकी इच्छा करेगी वैसे देगा। मान लेते हैं अगर मैं इस बंदे से हाथ मिलवाना चाहूंगा, तो जब ये इसको मिलाएगा तो इससे मिलाने के लिए ये वाला इसके पास तो नहीं आएगा ना, भाई हमने तुमसे हाथ मिलाया और तुमने हमसे हाथ मिलाया, बात तो बराबर ही है, ये उसका अलग होगा कि भैया मैंने तुमसे मिलाया अब तुम मुझसे मिलाओ, नहीं बनेगा ना, बात तो वही आ जाएगी, भैया हमने आपसे हाथ मिलाए हैं तो वो उसने भी तो हमसे हाथ मिलाए हैं, तो इसलिए इसका पेयर काउंटिंग क्या होगा, एक बार होगा, दो बार काउंटिंग होगा, एक बार होगा, क्लियर कंसेप्ट है। देखिए अब इसी चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब इस बंदे को यही रहने दें, इन सबको इस स्थान पे खड़े कर लेते हैं कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, जब ये पहला बंदा इन सबसे हाथ मिलाने जाएगा तो पहले किससे मिलाएगा, इससे पहली बार, फिर किससे मिलाएगा, इससे मिलेगा, फिर किससे मिलाएगा, और फिर किससे मिलाएगा, भाई ऐसा कर लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं। ये बंदे सब खड़े हुए हैं, पहला बंदा यहाँ से उठ के चला गया, आप लोग जैसे बैठे हुए ऐसे वो बैठे हुए हैं, इससे मिलाया उससे, देन ऐसी 5 के 5 बंदों से उसने हाथ अपना मिला लिया, तो कितनी बार हाथ मिला यहाँ से, 1, 2, 3, 4, तो पहले वाले बंदे ने जो हाथ मिलाया तो कुल काउंटिंग कितना हुआ उसका, 4 हुआ। जब ये दूसरे बंदे की जब बारी आएगी दोस्तों, तो ये इससे हाथ मिलाने जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों क्यों जाएगा भाई, जब से मिला चुका है पहले, समझिएगा बस,
तो फिर वो किसे मिलाएगा? फिर इसके मुताबिक वो इधर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो किससे मिलाएगा? वो तीन से। फिर किससे? चार से। फिर किससे? क्लियर है? अब जो बारी आएगी किसकी आएगी? तीसरे वाले की आएगी। अब तीसरे वाले की जब बारी आएगी दोस्तों, तो वो दो से मिलाएगा? नहीं मिलाएगा, क्योंकि वो पहले मिला चुका है उससे। फिर किससे मिलाएगा? वो वन से भी नहीं मिलाएगा, क्योंकि वन से उधर मिला चुका है। तो किससे मिलाएगा? चार से और। तो ये तीन किससे मिलाएगा? चार से और। लेकिन जब चौथे बंदे की बारी आएगी, चौथा बंदा इनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ एक से मिलाएगा ना, वो किससे मिलाएगा? सिर्फ ओनली। और ये पांचवा बंदा किसी से जाएगा? इसे आवश्यकता कहीं जाने की नहीं, क्योंकि इसके पास तो सब और ही चल के आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ऐसे करके काउंटिंग करें तो आप खुद देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब छोटी सी कहानी को इसको समझते हैं, कोई नया इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक तरीका तो यह है कि इसको समझने के लिए ऐसा क्यों हुआ, सीख गिरा, ध्यान रखिएगा। तो एक बात ये समझिएगा कि जब यहां से इसने मिलाया तो इसका जो हाथ है इससे नहीं मिल पाया, तो वो कम ही मिल रहा है। एवरी टाइम देखेंगे आप लोग, देखो ये चार है ना, यहां कितना है? तीन है। और यहां कितना है? और यहां कितना है? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एग्जाम में चले गए फॉर्मूला किसी को याद आ गया, लगा दे दूसरा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अब क्या करना है? हमारे पास दोस्त कितने? दस थे ना, बोले दस दोस्त थे ना। तो दस दोस्त थे, ध्यान रखिएगा। तो जो पहला दोस्त जो मिलाया, कितने लोगों से मिलाएगा? नौ से। दूसरा कितने से? आठ से। तीसरा किससे? अगला कितने? यही कहानी कहां तक करेंगे? फिर बताओ ना, दो। और फिर अब मैंने कहा दस आदमी, एग्जाम का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ध्यान रखिए वाला, कि दस आदमी जब हैंडशेक करेंगे तो पहला बंदे ने नौ बार मिलाया, दूसरे ने आठ बार मिलाया, और तीसरे ने सात बार मिलाया, और चौथे ने छह पांच ऐसे ही करा। तो ये चीजें क्या बन गई? एक योगफल बन गया ना। मुझे सम करना है सबका, कि भाई पहले के नौ हाथ जैसे यहाँ काउंटिंग करेंगे, देखिए पहले के चार बन रहा है, दूसरे के तीन बन रहा है, तीसरे के दो बन रहा है, चौथे के एक बन रहा है। तो दिमाग में करण का समय तो करना है। ऑल कितने हैंडशेक हुआ? 45। तो कितना हुआ? 45। अब देखो इसमें फोन लगाने का आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। और ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इनका योग कैसे निकालते हैं, सिखाई थी पहले ही आके ही मैंने ये चीज सिखाई थी। तो फोन लगा तो यूसी खत्म हो गया आपका। अब मैं तुमसे कहूँ, ध्यान रखिएगा, कि यहां से 20 दोस्त हैं, आपस में हैंडशेक करते हैं, तो कितनी हैंडशेक हुआ होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? एक से लेकर 19 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे लगातार। बोलिएगा आएगा नहीं आएगा? और ये चीज मैं बेस को आपके बताया था, इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कि ये जो योगफल है, ये जो गुणनफल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके लिंक करके आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेगा। अगर आपने उस फॉर्मूले को रटा और बेसिक चीजें नहीं सीखी हैं, ध्यान रखिएगा, तो रट के ध्यान रखे, कोई एग्जाम पास कर तो लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा पूर्ण तरह से पास नहीं हो पाओगे। मन में भ्रम रहेगा कि यार ये सही भी था और गलत भी था, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है? नहीं देखिएगा, और एग्जाम का क्वेश्चन था आया हुआ ये। तो इन चीजों को ऐसे मैनेज करना है, ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट किसी को बोलो, नहीं तो चलते हैं क्लास को ओवर कर लेते हैं। और किसी को लग रहा है कि सी सेट में डर है, तो आप अपने अंदर प्रोमिस कर लीजिएगा, सी सेट को डर से भगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आया था, अभी बता रहा हूँ बेसिकली। इसका आंसर 1 से लेकर 9 तक का योग कितना होता है बेटा? मैंने क्या बताया था? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग है ना, सम ऑफ ऑल 1 to 9 नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या कहा था अभी, पहले एवरेज निकालेंगे कहा था, और एवरेज कैसे निकालेंगे मैंने ये भी बताया था। फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2। फर्स्ट क्या है बेटा? यहाँ से 1, और लास्ट क्या? 19। तो कितना हो गया? 20। और 20 के हाफ कितना होता है? 10। और मैंने कहा अगर इनका सम ऑफ निकालना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ डाटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। नंबर डाटा कितना है? 19 into 19। आंसर 190। चलिए मैं ट्राई करता हूँ क्वेश्चन, आप लोग आंसर बोलना, बहुत आराम से बोलना, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली, ध्यान रखिए। बट आप लोग इसको एस्टेब्लिश करना माइंड में। चलिए जैसे बताना, जैसे 30 फ्रेंड हैं और आपस में हैंडशेक करते हैं, कितने हैंडशेक होंगे अच्छे बताइएगा? अरे कलम मत चलाओ, कलम चलाओगे तो मर्यादा खराब हो जाएगी ना आपकी। भाई 30 दोस्त है तो 29 तक आना पड़ेगा ना, तो मुझे क्या करना है? 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं का मुझे क्या होना चाहिए? ऐड होना, सम हो जाना। सोचिएगा 1 से अगर हम लोग 29 तक ऐड करेंगे तो नंबरिंग नंबर डाटा 29 ही बचेगा ना। अब मैंने कहा 1 से लेकर 29 तक ऐड करना है, यार एवरेज निकालोगे ना पहले, और एवरेज क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय
टू ये सिखाए थे आज इसलिए मैं पहले 129 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई किसे करनी ओनली नंबर ऑफ डाटा कितना ध्यान देखें लास्ट 20 अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी रास्ता है ये रास्ता पता कैसे ये बहुत अच्छा रास्ता है नहीं 9 को 5 से कुछ नहीं करनी है बहुत आराम से करना है बट जितना तुम चीजों को खोलोगे ना ध्यान रखेगा टेंशन मत लीजिएगा कि कोई टेंशन ऐसी साइड में गड़बड़ी है कुछ नहीं आराम से पढ़ना कि हम नहीं कर पाएंगे तो यूपीएससी क्रैक नहीं होगा अरे सीसेट हो जाएगा आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर छोटी सी बात सोचो अगर वन टाइम के लिए जैसे 30 मान लेते हैं वन टाइम के लिए तो अगर 30 की मल्टीप्लाई से हम लोग करें तो आराम से आप इस चीज को तो कर ही लेते हो ना अब ये यहां से है कितना कम ये 1 तो ये 15 कम होगा ना और 450 से 15 कम करने में किसी की टेंशन का विषय नहीं होगा योर आंसर कितना जाएगा ध्यान रखें 435 कोई दिक्कत तो ऐसे करने में सीखे मान लीजिएगा देखो थोड़ी थोड़ी चीजों को एनालाइज करो जितना एनालाइज करोगे उतना मजा आ जाएगा आपको जीवन में 28 लिखा है मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूं अब इसे करोगे 15 या 120 0 रिमाइंडर 12 कहां कर रहे हो यार आराम से करो 15 30 कितना 450 हो जाएगा अब यहां से 2 कम है 15 2 30 30 लेस करो कितना लगेगा 420 आराम से 1 सेकंड में इन चीजों को पढ़ेंगे हम लोग एलसीएमएस पे ध्यान रखेंगे वहां आएगा काम ये तो सब चीजें मजा आया नहीं आया तो इन चीजों को बस हमेशा मजे में रहो ध्यान रखें यूपीएससी के लिए हमेशा उमंग में रहो यार मजे में रहोगे तो टेंथ में रहोगे तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो ध्यान रखेगा ना हाँ बेटा बोलिए जैसे ये समझ लीजिए मैंने क्या करा हो सकता है 27 भी हो देखो कुछ भी कर लो हमें कोई दिक्कत नहीं है 27 होगा तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा अभी पढ़ेंगे अगली क्लासों में एक यूनिट पहले से नंबर होता है जैसे 7 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगी 10 अपॉइंट कर लेंगे 97 है तो इसका 100 पे काम करेंगे तो 100 हो जाएगा तो ऐसा ही हम लोग उसके बेस पे काम कराएंगे आपको तो मैंने क्या किया इसको 30 प्रिंट कर लिया तो अगर हमें 15 की मल्टीप्लाई 13 से करवा दी जाए तो कितना जाएगा बेटा 450 अब सोचो ये 30 से 27 3 ही तो कम है और 15 3 तो मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें छोटे वाले जल्दी दिखाई दे जाती हैं 15 3 कितना होता है बेटा 45 और 45 अगर हम लोग इसे लेस कर लें तो कितना आराम से सॉरी 405 चल रहे उन चीजों को भी ध्यान रखिएगा अब दो रास्ते देखिएगा अभी बहुत चीजें आपको मल्टीप्ली और सिंप्लीकेशन में सीखेंगे ध्यान रखिएगा चीजें यहां से क्लियर होनी चाहिए देखिए बेटा मैंने कहा देखिए सुन ली ना 2 3 कितना होता है ठीक है सही है तो अब मैं कहूं ध्यान रखिएगा कि यहां क्या लिखा जाए जो कि ये आ जाए डिवाइड कर देंगे अगर भाई यही तो समझ में आना चाहिए कि यहां क्या लिखा जाए जो कि अब ये 3 आ जाए तो 2 लिख देंगे ये बात समझ में आ रहा है अब मैंने कहा छोटी सी बात को समझना कोई टेंशन का विषय नहीं ध्यान रखें यहां से जब मैं कहूं यहां से 132 हाथ मिलाए गए अभी बेस नहीं चले हैं इससे लेके चलेंगे तो मैंने कहा उसमें कितने मेंबर हैं यही तो क्वेश्चन पूछे थे आप ना तो एक छोटी सी बात सोचो जब मैंने यहां से थोड़ी सी बस कुछ नहीं करना थोड़ी चीजों को समझना है जब हाथ मिलाते हैं तो दो लोगों का कॉम्बिनेशन होता है बस कुछ नहीं करना एक कंसेप्ट पे काम करना है कि इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे आपको जिनका अंतर 1 हो और दोनों डिस्ट्रीब्यूट आपस में हो जाते हैं विदाउट फॉर्मूला तो क्या होगा अगर हम लोग 12 की और 11 की मल्टीप्लाई कराएं 132 आएगा अगर ऐसे ही ध्यान रखे 66 देगा ध्यान रखेगा तो 11 6 आएगा ये तो है नहीं भैया दे देगा 37 पेयर लगे हैं बताइए क्या कटेगा ही नहीं और जब ये कटेगा नहीं तो भैया वो बनेगा भी नहीं ध्यान रखेगा तो सीखेंगे इन चीजों को भी अभी हम लगातार तो हम लोग 2 मल्टीपल में ध्यान रखे उसके फैक्टर कर लेते हैं जिससे ध्यान रखे उसका आंसर डायरेक्टली लगाइए 12 आ रहा है क्लियर है ऐसे ही पढ़ना था चीजों को ध्यान रखना तो बहुत सारी चीजें अभी रीजनिंग तो हम लिए ही नहीं ध्यान रखे ना नंबर सिस्टम पर काम किए हैं तो सबसे पहले डर निकालना है डर निकल जाएगा तो काम स्टार्ट हो जाएगा अपना डर निकल गया ना सबका ठीक है मिलते हैं ऑल द बेस्ट है ना टुडे एंजॉय हंसते रहो मुस्कुराते रहो है ना